हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। तुहाडे सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानम दे प्लेटफॉर्म ते, एंड वेलकम टू दिस सैशन। इस सैशन दे विच आपां PSPCL दा प्रीवियस पेपर डिस्कस करन वाले हैं। मैनू उम्मीद है कि तुहानू इस पेपर तो बहुत सारी इनसाइट्स मिलनगियां। तुहानू पता लगेगा किहड़े क्वेश्चन किस तरीके दे नाल किस लैवल दे आए सी ते किस तरीके दे नाल क्वेश्चन एग्जाम्स दे विच पुछे जांदे। तो लेट्स बिगिन द सैशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कुंडनपाली बोमालू हैंडीक्राफ्ट विच रिसीव्ड द GI टैग फॉर इट्स सिग्निफिकेंट फीचर बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है उस टाइम का, ठीक। तो बेसिकली उस टाइम कुंडापाली बोमालू न्यूज़ दे विच सी, बेसिकली दीज आर टॉयज़, वेरी फेमस टॉयज़, हैंडीक्राफ्ट टॉयज़ जिहड़े वर्ल्ड ओवर फेमस है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इन्हों का, दे आर सोल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से भी ये बेचे जाते हैं। तो जे बेसिकली आप इन्हों की गल करिए, ठीक है जी, तो ये आंध्र प्रदेश के टॉयज है, ठीक है जी। तो द करैक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। इस GI टैग का मतलब की है, जोग्राफिकल इंडीकेशन। जोग्राफिकल इंडीकेशन तो की मतलब है, जेड़ा टैग ये दसे कि कोई भी स्पैसीफिक जी चीज़ है किड़े रीजन में बिलोंग करती है, ठीक है जी, सो दैट उसकी डुप्लीकेसी ना हो सके या फ्रॉड ना हो सके। तो दिस टैग मेक्स श्योर, एक तरह की गरंटी हो जाती है कि ये चीज़ उस जगह तो आई है जिसकी ये जिथों की यह ओरिजन करती है, ठीक है जी। तो आंसर इज टू आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक जेन आयर, ठीक है जी। तो जेन आयर एक बहुत ही फेमस नॉवल सी, किस द्वारा लिखा गया सी, ठीक, चार्लोट ब्रोंटे द्वारा लिखा गया सी। एंड इस नॉवल दे विच वुमेन दी, ठीक है जी, वुमेन दी जिहड़ी स्ट्रगल है, डे टू डे स्ट्रगल, उस दे बारे दस्या गया सी। इंग्लिश नॉवलिस्ट सी बेसिकली, शी वॉज ए इंग्लिश वूमेन, ठीक है जी। तो इस नॉवल दे थ्रू उन्होंने स्ट्रगल्स ऑफ द वूमेन या ट्रू रियलिटीज़ या इनर लाइव्स ऑफ द वूमेन, सोशल कंडीशंस किस तरीके दे नाल इफेक्ट कर रही हैं सी वूमेन उस टाइम ते, वो सारी चीज़ों नू इस नॉवल दे विच की कीता गया, डिपिक्ट किया गया। तो शी वॉज फेमल वेरी फेमस नॉवलिस्ट ऑफ द टाइम, तो इंग्लिश नॉवलिस्ट सी, ठीक है जी। तो वन वुड बी द करैक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन द फुल फॉर्म ऑफ RCEP, ठीक है जी। जिथे इंडिया ने डिसाइड किया टू ऑप्ट आउट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है जी। तो RCEP एक ट्रेड एग्रीमेंट का की है नाम है, ठीक है जी, रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो क्वेश्चन दे विच पी का फुल फॉर्म मतलब पूछा गया, तो आंसर विल बी वन, ठीक। अडिशनली मैं दसदा RCEP मतलब की है, एशियान एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, एशियान, ठीक है जी। उन्होंने नाल अलग अलग कंट्रीज़ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, ठीक है जी, फ्री ट्रेड की है एग्रीमेंट्स है, ठीक है जी। तो उन्होंने कंट्रीज़ की गल करिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया आंदा, चाइना आंदा, ठीक है जी, जापान आंदा, न्यूजीलैंड आंदा, ठीक है जी, साउथ कोरिया आंदा, इंडिया भी आंदा, ठीक है जी, इंडिया भी आंदा। तो ये अलग इंडिविजुअली इन्हों के सारिया के बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब की होंगे, एहोजा ट्रेड एग्रीमेंट जिहड़ा बेसिकली बहुत सारे प्रोविजनज नू रिमूव कर देता, फ्री ट्रेड की हेल्प करता, ठीक। तो RCEP इन सारे कंट्रीज़ का हुण आपस दे विच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना सी, ठीक है जी, जिस तो इंडिया ने की करता रिफ्यूज़ करता। तो एट प्रेजेंट RCEP साइंड है एक्सैप्ट इंडिया, बाकियों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होया हुआ। तो क्वेश्चन ईजी सी, इस सिर्फ पी की फुल फॉर्म पता जी पूछी गई सी, पी का मतलब पूछा गया सी, तो पार्टनरशिप विल बी द करैक्ट करैक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद विच गेम कैन वन एसोशिएट द नेम रानी रामपाल, ठीक है जी। तो रानी रामपाल शी इज फेमस इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर, ठीक है जी। तो हॉकी विल बी द करैक्ट आंसर। जे रीसेंटली आप गल करिए, इंपोर्टेंट थिंग इज 2020 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हों पद्मश्री के नाल अवार्ड किया, ठीक है जी। दिस इज एक्सेट्रा नवी न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है जी। तो एडिशनल न्यूज़ है, हॉकी के प्लेयर ने रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है, द हिल स्टेशन ऑफ पंचमढ़ी इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ, ठीक है जी। तो हिल स्टेशन पंचमढ़ी मध्य प्रदेश दे विच मौजूद है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। तो इट इज़ वेरी फेमस फॉर वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स दे लई की यह फेमस है। एडिशनल थिंग इज़ इनू सतपुरा की रानी भी किया जाता है। तो कई बार एग्जाम्स दे विच इस तरीके दे क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच हिल स्टेशन इज़ कॉल्ड सतपुरा की रानी, ठीक है जी। तो पंचमढ़ी नू सतपुरा की रानी भी किया जाता है। तो मध्य प्रदेश इज़ द करैक्ट आंसर।
द ओरका फोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो ओरका एक टाउन है बेसिकली मध्य प्रदेश का, इट इज टाउन इन मध्य प्रदेश, ठीक है जी। तो इत्थे फोर्ट मौजूद है, तो बुंदेला बेसी राजपूत, बुंदेला राजपूत ने इस फोर्ट की कीती सी कंस्ट्रक्शन कीती सी, बुंदेला राजपूत ने, ठीक। तो करेक्ट आंसर विल बी थ्री, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ई स्टैंड फॉर ई इन ईपीजी एंड विच इज रिलेटेड टू एसईजी। देखो दो ये अलग अलग चीज़ें, दो एक है एसईजी, ठीक, तो जिसकी फुल फॉर्म की होंगी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये वो रीजनस होंगे, वो एरियाज होंगे, नोटिफाइड एरियाज जिन्हों इंडियन टेरेटरी के अलग रूल्स लगनगे एज ए फॉरन टेरेटरी हो, ठीक है जी। दीज आर बेसिकली, जो आप गल करिए कस्टम जड़िया नॉर्म्स इतने नहीं लगदियाँ, ठीक है जी, डिफरेंट रूल्स होंगे है। बेसिकली इन्हों का परपज़ यह होंगे कंप्लीटली एक्सपोर्ट पर फोकस होंगे इन्हों का, जी भी यूनिट्स इतने हो, जदों की ई पी जैड है, ठीक है जी, उत्थे कस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉलो की जाती हैं। तो एक ई पी जैड की जी फुल फॉर्म है वह की है एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन, ठीक है जी। तो क्वेश्चन के सिर्फ आपां नूं ई दा मतलब दसना सीगा, ठीक। तो सी या थ्री एक्सपोर्ट विल बी द करैक्ट आंसर। कन्फ्यूजन तो होंगी है क्योंकि जिन्हों एस सी जी का मतलब पता वो इकोनॉमिक नाल कनैक्ट कर लेंगे, ठीक है जी, तो वो गलती नहीं करनी, ठीक। तो एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन इज द फुल फॉर्म, तो ई विल विल स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट। Who was the Viceroy of India when Indian National Congress was formed in 1885? ठीक है जी, ए ओ ह्यूम द्वारा इंडियन नैशनल कांग्रेस की स्थापना की गई सी। जो आप स्पेशली गल करिए लॉर्ड डफरिन, ठीक, 1884 तो लैके 1888 तक इंडिया के वॉयसराय रहे हैं, तो 1885 जो इस टाइम पीरियड के उस कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो आंसर विल बी वन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है जी। मगधा मोस्ट सीरियस राइवल अवंती हैड इट्स कैपिटल एट, ठीक है जी। तो जो आप एंशियंट हिस्टरी पढ़ते हैं उस टाइम के इन्हों किंगडम्स की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है इंडियन हिस्टरी के, ठीक है जी। तो अवंती की जी कैपिटल सी उज्जैन सी, उस टाइम तो इसनों उज्जैनी कहा जाता है, उज्जैनी, ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसनों अपने किंगडम के कंप्लीटली अनैक्स कर लिया, अनैक्सड कंप्लीटली बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन हिज डोमीनियन, ठीक है जी। तो अज का जे आप अज की गल करिए सब तो ज़्यादा पहले तो इंपोर्टेंट राजा अवंती का जोड़ा बहुत इंपोर्टेंट से उसका नाम से प्रद्योता, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, प्रद्योता वॉज मोस्ट इंपोर्टेंट किंग। तो अज का जो गल करिए अवंती इज टूडेज मध्य प्रदेश रीजन, मध्य प्रदेश रीजन है अज का, ठीक है जी। तो टू विल बी द करेक्ट आंसर। कुंचिकल वाटरफॉल्स ये कैड़ी स्टेट दे विच है, ये बेसिकली की है क्वेश्चन है, ठीक। तो ये कर्नाटका स्टेट दे विच की ने मौजूद ने कुंचिकल, ठीक है जी, कर्नाटका दे शिमोगा, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है जिथे ये की ने प्रेजेंट, ठीक है जी। तो बेसिकली बहुत वाटरफॉल की हाइट करीब करीब 450 मीटर, 450 या 455 मीटर के करीब करीब इस वाटरफॉल की है हाइट है। तो वराही रिवर है जिस रिवर से ये वाटरफॉल या ये वाटरफॉल जोड़ा मौजूद है, ठीक है जी, वराही रिवर। तो आंसर विल बी थ्री, कर्नाटका। रिलेटिवली टफ क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूरनामेंट इंडिया, जोड़ा ओल्डेस्ट टूरनामेंट है उसका नाम दुरंद कप है। तो स्पेसिफिकली गल करिए एशिया का भी ओल्डेस्ट है, एशियाज़ ओल्डेस्ट भी यही कप है, एशिया का भी ओल्डेस्ट है, वर्ल्ड का जो गल करिए थर्ड ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट है। तो 1888 दे विच की किया गया सी, ब्रिटिशर्स द्वारा शुरू किया गया सी। तो दुरंद कप इज़ द करैक्ट आंसर। वट इज़ द कैमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का कैमिकल सिंबल पूछा गया, तो गोल्ड का कैमिकल सिंबल वी ऑल नो Ag इज़ फॉर सिल्वर, Au इज़ फॉर द गोल्ड, ठीक है जी। एडिशनली अटोमिक नंबर 79 इज़ द अटोमिक नंबर ऑफ द गोल्ड, ऑफ द लश्चर करके गोल्डन कलर करके बहुत वैल्यू रखता है, सिंस एंशियंट टाइम्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, हाईली मेलेबल, ठीक है, ये फीचर्स है। तो Au इज़ द करेक्ट आंसर। विच डनेस्टी डिड हर्षवर्धना बिलोंग टू, हर्षवर्धना बिलोंग टू वर्धाना डनेक्सी, वर्धाना डनेस्टी ऑल्सो कॉल्ड पुष्यभूति डनेस्टी, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है जी। तो टू विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है जी, टू विल बी द करैक्ट आंसर। इनिशियली इन्हां दी कैपिटल का नाम सी थानेश्वर, जिहड़ी अज दे हरियाणा दे विच मौजूद है थानेश्वर। ठीक है जी, बाद दे विच इन्हां ने शिफ्ट करके कनौज नूं आपदी की बना लिया सी, कैपिटल बना लिया सी। ठीक है जी, थानेश्वर ते कनौज, ये दो चीज़ें याद करने वाली। अपार्ट फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर, हू एल्स फ्रॉम टैगोर फैमिली हैज़ परफॉर्म्ड द रोल ऑफ वाइस चांसलर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती या विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक, तो इसका करैक्ट आंसर इंदिरा देवी चौधरानी है। जे आप इन्हों की गल करिए, शी वॉज डॉटर ऑफ सतेंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, एंड ही वॉज सैकेंड सन ऑफ देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है जी, तो टैगोर फैमिली नू ही बिलोंग करते सी। ठीक है जी, तो शी बिकेम बेसिकली वीसी ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1946 1946 दे विच विश्व भारती यूनिवर्सिटी दे चांसलर बने सी। आफ्टर 11 नवंबर 2019 विच विल बी द नैक्सट ईयर मरकरी वुड ट्रांजिट द सन। ट्रांजिट द सन मतलब मरकरी जदों सन के सामने तो गुजरिया। ठीक, तो लास्ट टाइम 2019 के 11 नवंबर में होया सी, नैक्सट टाइम 2032 दे विच फिनोमिनन है जिहड़ा देखण नूं मिलेगा। ठीक है जी, कैन बी सीन विद नॉर्मल टेलीस्कोप फ्रॉम द अर्थ। द सचर कमेटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू रिलीजियस मिनोरिटी इन इंडिया, कि रिलीजियस मिनोरिटी ना सचर कमेटी रिपोर्ट है जी संबंध रखती है। तो जो आप गल करिए, 7 मैंबर कमेटी से प्रधानमंत्री उस टाइम पर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जी द्वारा सैटअप की गई सी टू लुक इन टू सोशियो इकनोमिक एज वैल एज एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक, तो मुस्लिम्स दे लिए स्पेशली की कीती गई सी, सेटअप की गई सी। ठीक है जी, तो राजेंद्र सचर उस टाइम ते दिल्ली हाई कोर्ट दे की सीगे चीफ जस्टिस सी, जिन्हां दे अंडर ये कमेटी की कीती गई सी, सेटअप की गई सी। तो बी मुस्लिम्स या टू मुस्लिम्स विल बी द करेक्ट आंसर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट मैक्सिमम, एट साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, 4 डिग्री सेल्सियस से पानी की डेंसिटी है जी मैक्सिमम होंगी है। ठीक है जी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स ऑफ वाटर मोलीक्यूल्स, क्लस्टर्स इस टेंपरेचर से बन जाते हैं, क्लस्टर्स ऑफ वाटर मोलीक्यूल्स जिदे मैक्सीम डेंसिटी हो जाती है। ठीक है जी, वाटर मोलीक्यूल्स, तो याद रखना है अक्सर ही अपन एक्सट्रीम्स याद रहा 0 डिग्री या 100 डिग्री होगा, तो करेक्ट आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबी आई लोकेटेड बिफोर शिफ्टिंग टू बॉम्बे। ठीक है जी, 1937 हेडक्वार्टर जिहड़े शिफ्ट किए गए सी, इनिशियली देवर इन कैलकटा या अज का कोलकाता, एंड दैन देवर शिफ्टेड टू बॉम्बे या अज की मुंबई। ठीक है जी, तो सी या 3 कोलकाता विल बी द करेक्ट आंसर। विच कंट्री होस्टेड 2019 एशियान समिट, 2019 एशियान समिट थाईलैंड ने होस्ट किया सी, या थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, बैंकॉक दे विच की किया गया सी, होस्ट किया गया सी। ओवरऑल एशियान जी इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन है या ग्रुपिंग है, ठीक, एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनस, ओवरऑल 35th समिट सी एशियान का, लेकिन जे स्पेसिफिकली इंडिया की गल करिए तो 16th एशियान इंडिया समिट। ठीक है जी, एशियान इंडिया 16th सी, ओवरऑल एशियान का 35th समिट सी। द फर्स्ट एवर डे एंड नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच वॉज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया दे विच होया सी, ऑस्ट्रेलिया दे विच भी साउथ ऑस्ट्रेलिया दे विच एडिलेड ओवल स्टेडियम का नाम है। ठीक है जी, नॉर्थ एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया दे विच जो मौजूद है, उत्थे फर्स्ट एवर डे एंड नाइट क्रिकेट मैच का जिहड़ा हेल्ड किया गया सी। तो 3 विल बी द करैक्ट आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है थोड़े तो इस तो इनसाइट्स मिली होनगियां। बेसिकली इनसाइट्स की है कि आप देखा मैमरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन घट आए, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन या डेटा बेस्ड क्वेश्चन आए। ठीक है जी, तो ईयर्स की गल की गई है, ये सारी इनसाइट्स मिलती हैं। ठीक, तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ दे विच करंट अफेयर्स करन दी जरूरत नहीं है। ठीक, उपरों उपरों ब्रॉड बेस्ड करंट अफेयर्स करन दी जरूरत है। ठीक है जी, तो हिस्टरी दे विचों जे आप गल करिए बहुत ज़्यादा डेप्थ दे विच क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जनरल क्वेश्चन पूछे गए कि डायनेस्टी की सी, कैपिटल की सी। ठीक है जी, डायनेस्टी का नाम, कैपिटल्स का नाम, ये चीज़ां जिहड़ियां बेसिकली पूछियां। ठीक है जी, तो इस चीज़ को बेस बना के तुम अपनी तैयारी कंटिन्यू करो, एंड आई होप तुम बहुत वधिया परफॉर्म करोगे आने वाले एग्जाम के। थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू।
हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो PSPCL का प्रीवियस ईयर पेपर आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द टाइम वेन द एंगल मेड बाई द आर हैंड एंड मिनट हैंड विल बी द सेम एज द एंगल मेड बाई द 11:45 PM। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गाइज, कि आपके पास ये पूछा गया है कि 11:45 में, ठीक है, आपके पास जो एंगल है, ठीक है, सिलेक्ट द, हमें वो ऑप्शन करनी है विच रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करे टाइम व्हेन द एंगल मेड बाय द आर हैंड और मिनट हैंड, जो कि आर हैंड और मिनट हैंड में बिल भी सेम हो, जो कि 11:45 पे। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ जिससे आप लोग इन्हें जल्दी कर पाएंगे। तो इनको यूनिवर्सल जो मैथड होता है वो क्या होता है, एंगल मीन्स थीटा इज इक्वल टू मोड में 11/2 मिनट, एम मतलब मिनट, माइनस 30h, ठीक है, 30h मतलब यहाँ पे आर, एम है मिनट और एच है आपके पास आर। तो अगर आपने इसको सोल्व करना सीख लिया तो बाकी ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पे निकाल ही पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कैसे, देखिए आपने मोड में रखा 11/2 आप लोग यहाँ पे रखेंगे, मिनट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मिनट क्या आएगा आपके पास 45, मिनट क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 45, और माइनस ऑफ अगर 30 लिखेंगे तो एच क्या है आपके पास यहाँ पे इंटू 11, ठीक है। तो ये मोड में सारी की सारी वैल्यू रहेगी। अगर आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्व करके आएगा 247.5, ठीक है, और यहाँ पे 330, ठीक है, 330। अब इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो 82.5 जो है आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कि 80, इसमें जो 11:45 पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है आपके पास, 82.5 डिग्री का, ठीक है, 82.5 डिग्री का यहाँ पे ये आंसर जो है बन रहा है। तो सिमिलरली इन ऑप्शन में भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर सिंगल सिंगल मैं ऑप्शन आपको चेक करके बताना लगा तब तो टाइम बढ़ा जाएगा, सिर्फ मैं ऑप्शन बता देता हूँ इसका आंसर क्या बनेगा, 12:15। तो इसमें जो एंगल बनता है वो भी सेम बनता है आपके पास, 82.5 डिग्री का यहाँ पे सेम एंगल बनता है, ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे एक क्यूब लिया गया है, तो इस क्यूब में आपके पास क्या बोला गया है, इस चीज को आप लोगों को यहाँ पे समझना है। अ क्यूब विद अ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर फर्स्ट पेंटेड ग्रीन, सबसे पहले उसे ग्रीन से पेंट किया गया ऑन द टू, ठीक है, ऑफ इट्स एडजेसेंट सर्फेसिस, दो साथ साथ के एडजेसेंट सर्फेसिस को ग्रीन से पेंट किया गया, एंड कट इनटू अ स्मॉलर क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच, और उसको 2 सेंटीमीटर में तोड़ दिया गया, ठीक है। तो हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब विल नॉट हैव एनी कलर, ठीक है, तो ऐसे कितने सरफेस होंगे जहां पे आपके पास कोई भी कलर नहीं हुआ होगा। तो अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है, डायमेंशन की बात करते हैं ऑफ अ क्यूब, ऑफ क्यूब तो आपके पास क्या है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं 16 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर ये आपके पास है। अगर हम इसे कट करते हैं 2 स्मॉल पीसेज में, ठीक है, अगर हम कट करते हैं स्मॉलर को, हमें क्या करना है, कट करना है इंटू स्मॉलर, ठीक है, क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच, 2 सेंटीमीटर जो है ईच होगा हमारे पास। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो 16/2 मतलब एक जो बनेगा वो 8 सेंटीमीटर का होगा, मतलब एक जो क्यूब आपके पास बनेगा वो 8 सेंटीमीटर का होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब जो है वो कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब जब इसे तोड़ देंगे तो कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पास 8 × 8 × 8, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा था, 16 × 16 × 16 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपने यहाँ पे लिखा था। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितने इसके पार्ट बन जाएंगे, 512 मतलब इसके टुकड़े जो हैं आपके पास बन जाएंगे। मैंने क्यूब नहीं बनाया, मेरे को लगता है क्यूब के बारे में आपको पता है क्योंकि यहाँ पे, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब आपके पास यहाँ पे ये पूछा है कि कितने ऐसे कलर हैं जहाँ पे, कितने ऐसे पोर्शन है जहाँ पे
कलर नहीं होगा। तो हम लोग ये अगर कैलकुलेट कर लें, टोटल जो है इसके टुकड़े होंगे 512 टुकड़े होंगे। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि कितनों में पेंट हुआ है, तो बाकी जो बचे होंगे उनका हमें पता चल जाएगा कि उन पर कोई कलर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर क्यूब हम अभी ये फाइंड कर रहे हैं बिल हैव कलर, कि कितनों को कलर हुआ है, ठीक है, कितनों को कलर हुआ। तो इसमें क्या है, एक 7 × 8 + 8 × 8, ठीक है, ये आपको पता है कि 7 × 8 करना पड़ेगा क्योंकि एडजेसेंट साइड पे हुआ था तो, और एक पे नहीं हुआ था तो जो बाकी छूट गए थे। तो यहाँ पे अगर इसे करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 56 + 64। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कितना बन गया, 120 क्यूब आपके पास ऐसे थे जहाँ पे कलर हुआ था, और टोटल आपके पास कितने हैं, 520। अगर टोटल आपके पास 520 हैं, 120 में अगर कलर हुआ है तो 512 में से अगर आप 120 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा, 392 ऐसे होंगे जहाँ पे कोई कलर नहीं होगा, 392 ऐसे होंगे जहाँ पे कोई भी कलर नहीं हुआ होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन, आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन, ठीक है। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि इफ 19 फरवरी 2009 वाज ट्यूजडे, अगर 19 फरवरी 2019 को क्या था, ट्यूजडे था, देन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स विल नॉट अ ट्यूजडे, इनमें से कौन सा दिन ऐसा होगा जिसमें ट्यूजडे नहीं आएगा, इनमें से ऐसा कौन सा दिन होगा जहां पे ट्यूजडे नहीं आएगा। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, देखो 19 को क्या है आपके पास, फरवरी को ट्यूजडे, 2019 की अगर हम बात करें तो क्या है, ट्यूजडे ये आपको गिवन किया गया है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फरवरी के बाद अगला महीना कौन आता है, अगला महीना आता है मार्च, तो मैं अपना क्वेश्चन अप्रैल सारे ऐसे नहीं उठाऊंगा, मैं अपने क्वेश्चन को उठाने का जो है अलग तरीका दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मार्च का क्वेश्चन उठा लिया, मैंने क्या किया अपना मार्च का यहाँ पे क्वेश्चन उठा लिया, मतलब फरवरी के बाद जो है मार्च आता है, मैंने ऑब्जर्व किया 2019 2019 2019 2019 2019, मतलब ये सेम ही ईयर में है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 मार्च को 2019 को क्या आएगा, ये क्वेश्चन मैंने बना लिया, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन था कि 19 फरवरी 2019 को ट्यूसडे है तो 6 मार्च 2019 को क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर आपके पास यहाँ पे फरवरी की बात करी जाए तो फरवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 28, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 2019 का, तो मेरे को पता है कि कितने दिन आएंगे, 28 दिन आएंगे। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो आपके पास 28 में से आपको 19 दिन माइनस करने हैं, तो 19 दिन अगर माइनस करेंगे आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे, 9, ठीक है, 9 आपके पास बचेगा, पर ये दिन भी तो हमें काउंट करना है, तो एक हमें ऐड करना पड़ेगा प्लस ऑफ 1, मतलब कि फरवरी के कितने दिन आपने क्रॉस करे हैं, टोटल 10 दिन। फरवरी के कितने दिन आप लोगों ने यहाँ पे क्रॉस करे हैं, फरवरी के टोटल दिन आपने क्रॉस करे हैं 10, प्लस ऑफ 6 आप लोग और दे देंगे, क्यों, क्योंकि आपको कहाँ तक जाना है, 6 मार्च तक जाना है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 16, ठीक है, टोटल हो गए 16, तो डिवाइडेड बाय 7 आप लोग करते हैं, जब भी 7 से करेंगे तो कितने तक वैल्यू कट जाएगा आपके पास, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 14 तक वैल्यू कट जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। आपको ये होपफुली याद हो कि कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे जो भी आपके पास वैल्यू आती है 16 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 × 2 = 14 होते हैं, और यहाँ पे रिमाइंडर जो बचता है 2, वो यहाँ पे लिखा जाता है जिसको कि बोला जाता है ओड डे। हमने यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन ओड डेज के ऊपर ही निकालना होता है, ठीक है। तो 2 ओड डे हमने यहाँ से निकाल ली, हमारे पास कितने दिन बचे, ओड 2। अगर पहले ट्यूजडे था तो आगे क्या आएगा आपके पास, वेडनेसडे। अगर एक यहाँ पे ट्यूजडे था और अगला क्या था, वेडनेसडे, मतलब कि आपके पास
6 मार्च को क्या होगा? वेडनेसडे। इसने यही तो पूछा था इस क्वेश्चन में कि नोट ट्यूसडे नहीं आना चाहिए, बाकी अगर आप लोग चेक करके देखेंगे तो सभी में क्या आएगा, ट्यूसडे ही आएगा। पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोचा कि अगर ये सेम ही मंथ सेम ही ईयर का है तो मैं आगे क्यों जाऊँ, मैं फरवरी से पहले मार्च को ही चेक करूँ ना, तो इस वजह से मैंने क्या किया, मार्च को चेक किया और मेरा आंसर क्या आ गया आपके पास, 6 मार्च 2019 को क्या आएगा, वेडनेसडे। हाँ, किसी का तरीका कुछ और भी हो सकता है, मैं इस तरीके से करता हूं, कोई किसी और तरीके से भी कर सकता है, हर एक का तरीका अलग अलग होता है, पर आंसर जो है वेडनेसडे ही आना है। होपफुली इतनी बात आप सभी को यहां पे क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रेगल इज रिलेटेड टू ड्रबल, यहां पे देखेंगे फ्रेगल इज रिलेटेड टू ड्रबल एंड टेंडर इज रिलेटेड टू हार्ड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पे ये पता होना चाहिए है क्या, ये एंटोनियम है, ठीक है, ये क्या है, एंटोनियम है। अब यहाँ पे आपको एंटोनियम गिवन है, ये भी एंटोनियम है, तो स्मार्ट का एंटोनियमस मतलब उल्टा क्या होगा, स्मार्ट का उल्टा क्या होगा, एंटीक, डायनामिक, शार्प या फिर स्टूपिड। मेरे को लगता है ये आप सभी को पता है कि जो स्मार्ट है उसका उल्टा अपोजिट क्या रहेगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली सबसे फिट जो बैठ रहा है वो क्या है, स्टूपिड, इसका आंसर जो है बनेगा। तो होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पजल का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है उसके बाद आप लोग करेंगे। फोर फ्रेंड ए बी सी डी, चार फ्रेंड हैं आपके पास, मीट एट द एलुमिनी गेट टुगेदर, और ये मिलते हैं एक किसी मीटिंग में आपके पास, वन ऑफ देम इज डॉक्टर, इनमें से एक क्या है, डॉक्टर, वेयर एज द अदर थ्री आर इंजीनियर, इनमें से एक डॉक्टर है और तीन क्या है, इंजीनियर है, तो इनमें से एक डॉक्टर है तीन इंजीनियर है। देखिए क्या बोला गया है, ए से सी इज इंजीनियर, ए बोलता है कि आपके पास सी क्या है, इंजीनियर है, सी क्या है आपके पास, यहाँ पे सी का प्रोफेशन क्या है, इंजीनियर है, ठीक है, ये ए ने कहा है, ठीक है, ये ए ने कहा है, हमें पता नहीं है अभी। बी सेज नीदर ए नोर डी इज डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सी अगर इंजीनियर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी जो है एक इंजीनियर है, इसे मैं मिटा देता हूँ, देखो इसे यहाँ पे अगर देखें, इस जो फर्स्ट लाइन में आपके पास यहाँ पे बोला गया था कि ए जो सी जो है वो इंजीनियर है, सी आपके पास इंजीनियर आ गया। आगे उसने कहा कि नीदर ए नोर डी इज डॉक्टर, ना ए ना ही आपके पास कौन सा बंदा, ना ही आपके पास डी बंदा, ये क्या है, डॉक्टर नहीं है, ये बोथ डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, आपको पता है। अब आगे क्या है, सी सेज आई एम नॉट ए डॉक्टर, तो सी भी बोलता है कि मैं भी डॉक्टर नहीं हूं, सी बोलता है मैं भी डॉक्टर यहां पे नहीं हूं, तो डी से सी इज टेलिंग ट्रूथ, जो सी है वो सही सच बोल रहा है। अब यहां पे देखिए, इफ ऑल फोर ऑफ देम आर स्पीकिंग द ट्रूथ, अगर चारों के चारों यहां पे सच बोल रही हैं, तो द आइडेंटिफाई हु इज द डॉक्टर, अगर चारों के चारों सच बोल रहे हैं तो डॉक्टर कौन है। अब यहाँ पे देखो, इस चीज को आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि चार बंदे थे आपके पास, ए बी सी और डी, उसमें से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ए क्या आ जाएगा, अगर डॉक्टर नहीं है तो इंजीनियर आ जाएगा, डी की बात अगर करी जाए तो डी भी अगर डॉक्टर नहीं है तो वो भी इंजीनियर आ जाएगा, अगर यहाँ पे सी की बात करी जाए तो सी भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर इंजीनियर ही आएगा, ठीक है, सी क्या आएगा, इंजीनियर आएगा। अब चार बंदों में से तीन आ गए हैं, आपके पास ए आ गया है, चार बंदों में से ए आ गया है, सी आ गया है, डी आ गया, एक ही बंदा बचा है वो है बी, तो बी क्या होगा फिर, डॉक्टर। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आप लोग इसको देख लेते तो आप में कोई समस्या यहाँ पे नहीं आती, बस यहाँ पे इसके देखना था कि आपके पास यहाँ पे क्या पूछा है, तो डॉक्टर कौन है आपके पास, बी बंदा जो है वो क्या है, एक डॉक्टर है, बी बंदा क्या है आपके पास, एक डॉक्टर है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे जैसे ये क्वेश्चन बोला गया है वैसे वैसे ये आपको करना है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, प्यूस सेट हिज वॉल क्लॉक, अब उसने अपनी दीवार की घड़ी जो है सेट कर दी है, तो क्या कहा, वॉच सच दैट द एग्जैक्टली एट 3:30 PM, सॉरी 3 PM, 3 बजे उसने सेट करा, द हार एंड पॉइंट टू द साउथ ईस्ट, जो 3 बजे था, अगर आप लोग यहाँ पे घड़ी बनाओगे बच्चों, देखो इस चीज को कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे 12 होंगे, यहाँ पे आपको पता है 3
6 और 9, ठीक है, यहाँ पे 3, 6 और 9, और ये बोला कि 3 बजे वो क्या बचाता है, आपके पास 3 बजे आर हैंड, जो पूरा आर हैंड होगा वो क्या है, साउथ ईस्ट की तरफ आएगा। तो आपको पता है दो नीडल होती हैं, छोटी नीडल इस तरफ होगी, बड़ी नीडल इस तरफ होगी, है ना, तभी तो यहाँ 3 बजे क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा, ये उसने कहा, आर हैंड जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। फिर आगे क्या कहा, डायरेक्शन एंड एट 6:30 PM और 6:30 बजे PM द मिनट हैंड, बड़ी सुई जो है टू द साउथ वेस्ट, तो वो जो बड़ी सुई है वो साउथ वेस्ट की तरफ आएगी। अगर 6:30 की बात करते हैं गाइस, सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ समझिए कि 6:30 बजेंगे कैसे, 12, 6 और यहाँ पे देखिए 9 और यहाँ पे देखिए 3, है ना। तो 6:30 का मतलब है, उसने एक चीज़ और बोली है कि आपके पास मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड का मतलब होता है आपके पास लंबी सुई, मिनट हैंड जो है वो आपके पास कहाँ पे होगी, साउथ वेस्ट में, तो बड़ी लंबी सुई जो है वो यहाँ पे होगी और जो आर हैंड है वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आगे आया होगा, तभी 6:30 बजेंगे, तभी 6:30 बजेंगे। तो 6:30 बजे मिनट हैंड जो है वो कौन से डायरेक्शन में होगी, आपके पास साउथ वेस्ट में, वो कौन से डायरेक्शन में है, आपके पास साउथ वेस्ट में। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन विल बी द मिनट हैंड पॉइंट टू द वेन द टाइम इज 6 PM ऑफ अ क्लॉक। तो आपके वो ये बताना है कि 6 जब बजे होंगे तो यहाँ पे टाइम क्या रहा होगा। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग यहाँ पे पूरा प्लस बना लो, जैसे जैसे ये बोलता चलता है वैसे वैसे आप लोग यहाँ पे सोल्व कर लें। अब देखो सारा का सारा तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लिया है, अब हमसे यहाँ पे ऊपर जो था, सबसे पहले हमें पता नीचे क्या है, साउथ वेस्ट है, अगर साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट के अपोजिट नॉर्थ ईस्ट आएगा, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट है तो साउथ वेस्ट कैसे बनता है, अगर इस तरफ साउथ होगा और इस तरफ क्या होगा, वेस्ट, अगर साउथ आ गया तो इसके अपोजिट नॉर्थ भी आ गया, अगर वेस्ट आ गया तो इसके अपोजिट ईस्ट भी आ गया, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आ गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट यहां पे आ गया। अब यहां पे पूछा क्या गया था कि आपके पास 6 बजे पॉइंट हैंड, 6 बजे जो है, 6 बजे की अगर हम बात करते हैं, 6 बजे कब बजते हैं, अगर मैं 6 बजे की बात करता हूं, देखो 6 बजे कुछ ऐसे बजेंगे गाइस कि 12 आपके पास यहां होते हैं और 3 और यहां पे देखेंगे 6 और यहां पे 9। अब जो आर हैंड होगा वो यहां पे होगा और मिनट हैंड ऊपर होगा, लंबी सुई ऊपर होगी, छोटी सुई जो है यहां पे होगी। तो यही तो पूछा था आप लोगों से कि मिनट हैंड जो बड़ी सुई है वो कितने पर होगी, किस क्या डायरेक्शन होगी, तो वो कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट, वो कौन से डायरेक्शन पे होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे आपके पास होगी। यही तो आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर था, यही तो आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर था। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम अपनी इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करते हुए यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक आपके पास आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल अल्फाबेट सीरीज या अल्फाबेट सीरीज का है, सीरीज भी आप लोग इसे बोल देते हैं। तो आपको अगर अल्फाबेट की पोजीशन ये वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन हो गया, ए की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 6, जी की वैल्यू 7, क्लू मैं दे रहा हूँ, टी की वैल्यू 20, 22 और इसकी वैल्यू 2। अब देखो 6 और 1 को मिला के क्या बन गया, सेंटर नंबर 7, 20 और 2 को मिला के क्या बन गया, 22। तो 10 और यहाँ पे इसकी पोजीशन वैल्यू 10 है और यहाँ पे भी इसकी पोजीशन वैल्यू है 10, 10 और 10 को मिला के क्या बन गया, 20। तो 20 पे आता है T20, T20, तो आंसर क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपका बनेगा, सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर बनेगा। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पजल का छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें देखना है क्या बोला गया है, सपना इज टोलर देन स्नेहा, सपना जो है, जो है सपना जो है वो क्या है, बड़ी है कि किससे, स्नेहा से, स्नेहा एंड आंचल, स्नेहा एंड आंचल, देखो स्नेहा और आंचल यहां पे बराबर हैं, अभी हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है, हमें ये पता है कि दोनों बराबर हैं, पर उन दोनों से बड़ी कौन है, सपना। आगे क्या है, कीर्ति इज शॉर्टर देन सिमरन, अब यहां पे एंड नन एल्स, ये बहुत बड़ी उसने बात बोली कि कीर्ति जो है, यहां पे मैं बना देता हूं कीर्ति, कीर्ति कीर्ति जो है छोटी है सिर्फ और सिर्फ किससे, सिमरन से।
अब अगर यहाँ पे ये पता लग गया कि कीर्ति सिर्फ और सिर्फ सिमरन से ही छोटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकियों से बड़ी होगी, तो बाकी सारे नीचे आएंगे। तो ये यहाँ पे आपको ये सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सिमरन आ गई, उसके नीचे कीर्ति आ गई। आगे आपके पास था सेजल इज जस्ट लिटल, सेजल जो है थोड़ी सी छोटी है, लिटल लिटल टोलर नहीं, जस्ट लिटल टोलर, लंबी है, बड़ी है, किससे, सपना से। तो कौन है आपके पास, सेजल, तो सेजल यहां पे आ जाएगा, सेजल यहां पे आ गई। एंड आगे क्या है, बट शॉर्टर देन प्रिया, पर ये किससे छोटी है, प्रिया से। तो लीजिए आधा डायग्राम तो यहां तक हो गया है, प्रिया हु इज शॉर्टर देन कीर्ति। अब प्रिया जो है कीर्ति से छोटी है, तो कीर्ति यहां पे, कीर्ति यहां पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आगे यहां पे सिमरन आ जाएगा। अब आपके पास यहां पे क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, पर इन दोनों का अभी भी आपके पास डाउट है। आगे बोलता है, आंचल इज डेफिनेटली नॉट शॉर्टेस्ट, मतलब आंचल जो है सबसे छोटी नहीं है। उसने क्या कहा, आंचल इज नॉट डेफिनेटली शॉर्टेस्ट, तो आंचल यहां पे आ जाएगी और स्नेहा यहां पे आ जाएगी। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। तो ये यहां से कट गया, अब ये पूरा डायग्राम कुछ इस तरीके से यहां पे बन गया। अब यहां पे पूछा क्या गया था वो देखते हैं, इफ ऑल ऑफ देम आर मेड इन अ लाइन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटा, ऑफ देयर हाइट, सच द फर्स्ट पर्सन इज टोलेस्ट वन, देन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी जो है सबसे करेक्ट है। तो यहां पे चेक करते हैं, ओनली फोर पीपल आर टोलर देन प्रिया, प्रिया से गलत, ये तो गलत हो गया जी। सेकंड है, स्नेहा इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, स्नेहा इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, तो बिल्कुल जी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि स्नेहा जो है सबसे छोटी है, स्नेहा जो है सबसे यहाँ पे क्या है, छोटी है। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉम्बे आपका यहाँ पे आंसर बनना है। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक सीरीज का क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो यहां पे देखिए सीरीज क्या थी, ए बी सी डी, देखो मैंने यहां से सुलझा लिया, ए बी सी डी, तो आगे क्या आएगा, ई, यहां पे मेरे को पता चल गया, मैं नीचे लिख देता हूँ ई, ठीक है। अब आगे क्या था आपके पास, जी, जी से क्या गया, आई, अगर जी की बात करूं सेवंथ पे होता है, आई क्या है, नाइन्थ पे होता है, ठीक है। नाइन से इलेवन, 11 से 13, 13 से 15, मतलब कि ओ आएगा, ठीक है, ये भी सुलझ गया, मतलब 17 और 19 अगर पोजीशन वैल्यू याद है तो। अब देखो एम की 13, 16, 19, ठीक है, अगर 19 यहां पे, 21, 21 के बाद यहां पे क्या आएगा आपके, 22 के बाद, ठीक है, 19 के बाद आपके पास 19 प्लस 3 22, और 22 प्लस 3 25, 25 पे क्या आएगा आपके पास यहां पे वाई, तो ई ओ वाई, ई ओ वाई आपका यहाँ पे आंसर आ गया, अगर पोजीशन वैल्यू याद थी तो, अगर पोजीशन वैल्यू याद थी तो, अगर तब ये जल्दी हो गया। होपफुली बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे भी ये छोटा सा एक पजल है, इसमें पजल होना नहीं है पर बिल्कुल सिंपल सा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एट फ्रेंड है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड इन अ सर्कुलर टेबल, नॉट नेसेसरली इन टू द सेम ऑर्डर सीक्वेंस बट विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम एंड फेसिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। इतना क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, तब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे, आठ बंदे बिठाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जहां जहां बोले वहां बिठा दो, कोई चक्कर नहीं है। ए एंड डी आर सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, देखो क्या कहा कि ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं एग्जैक्टली, इतनी बात क्लियर है। आगे आपके पास क्या था, सी एंड डी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, सी और डी भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, लो जी सी और डी भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिमिलरली जी एंड एच आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, लो जी आपके पास एक और यहाँ पे बात बोल दी, जी और एच भी आपके पास यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में बैठा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में यहाँ पे बैठा हुआ है, लो इतना हमने बना लिया। अब आगे आपके पास क्या है, ए इज सिटेड इन अ चेयर विच इज प्लेस एट द ईस्ट साइड, अगर ईस्ट साइड की बात करिए तो कोई समस्या ही नहीं है, ऊपर नॉर्थ बन जाएगा, इस तरफ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट
और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा, जो है वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस होने ही नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब उसने बोला क्या था कि ए जो है ईस्ट की तरफ फेस करके बैठा है, लो ए को यहाँ बिठा लो, ठीक है। ए जो है अगर यहाँ पे है तो ए के अपोजिट बी आ गया यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हमने फिल कर लिया, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, फिल कर लिया। अब आगे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेकंड की, सेकंड क्या है आपके पास ऑफ द टेबल, वेयर एज टेबल वेयर एज सीज चेयर इज एट द नॉर्थ पोजिशन। अब सी की जो चेयर है वो नॉर्थ पोजिशन पे है, लो जी सी अगर यहाँ आ गया तो डी यहाँ ही आएगा, ये हमें पता है क्योंकि ये आपके एक दूसरे के अपोजिट, ये भी मैंने काट लिया। जी और एच अब मेरे पास यहाँ पे बचे हैं, जी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अब जी यहाँ पे भी आ सकता है, जी यहाँ पे भी आ सकता है, मेरे को नहीं पता कि कहाँ पे आएगा, अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। अब इसने क्या है, ओनली ई इज सिटेड बिटवीन ए एंड डी, कि ए और डी के बीच में, अगर ए और डी की बात करूँ तो उसके बीच में कौन आएगा, ई आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जी जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, अगर क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट एच आना था, तो जी आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, जी आपके पास यहाँ पे आ गया तो एच बंदा यहाँ पे आ गया, और ई के अपोजिट अब एक ही बंदा बचा है, वो कौन सा है, वो है आपके पास एफ, वो आपने बिठा लिया। अब आपके पास यहाँ पे पूछा क्या गया था, इफ एच चेयर इज द साउथ वेस्ट, ठीक है, अगर एफ एच की चेयर देखो साउथ वेस्ट में ही ऑटोमेटिकली आ गई है डायरेक्शन, देन विच डायरेक्शन ऑफ द टेबल इज एफ्स चेयर प्लेस। एफ की चेयर नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है आपके पास, तो नॉर्थ वेस्ट आपका यहां पे आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन जो है इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास बन गया। होपफुली बात यहां पे क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास यहां पे देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम यहां पे बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपके पास क्या बोला गया है, इफ द सिंबल प्लस मीन्स माइनस आर इंटरचेंज एंड आल्सो मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब है एक दूसरे के साथ अदला बदली करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपके पास, प्लस का मीनिंग, यहाँ पे क्या था, प्लस का मीनिंग में क्या गया माइनस, और मल्टीप्लाई के मीनिंग में आपके पास क्या गया डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन उठा के देखते हैं, 11 माइनस 17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो जहाँ पे था आपके पास माइनस वहाँ पे लगा दो प्लस, जहाँ पे था प्लस वहाँ पे लगा दो माइनस, जहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, बाकी सब सेम आता है। तो इसको पहले हमने चेंज कर लिया, 11 17 3 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास 3 भी आएगा। तो आप लोग यहाँ पे जो टर्म है आपको याद होगा कि बोर्ड मास, आपको याद होगा बोर्ड मास आप लोग लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इस डिवाइड का मीनिंग क्या हुआ आपके पास, 11 प्लस 17 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके पास यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, अगर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 28 माइनस ऑफ 5, 28 माइनस ऑफ 5, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया फिर, 23 जो है यहाँ पे आ गया। और यही मेरे को लगता है इसने क्वेश्चन में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इक्वेशन विल हैव द वैल्यू ऑफ 23। तो 23 के इक्वल जो वैल्यू आएगा वो कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन। अदरवाइज आपको ये चारों के चारों को एक एक करके सोल्व करना पड़ता, अदरवाइज आप लोगों को चारों के चारों एक एक करके ये सोल्व करना पड़ता, इसमें कोई ऑप्शन और या शॉर्ट ट्रिक और नहीं चलता है। होपफुली इतनी बात आपको यहाँ तक क्लियर है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखो कि अर्थ इज रिलेटेड टू स्फेयर, मतलब एक स्फेरिकल शेप आती है, ठीक है, स्फेरिकल शेप आती है। डाइस इज रिलेटेड टू क्यूब, तो डाइस का जो शेप होता है वो क्यूबिकल शेप होता है, एंड डॉटनेट, ठीक है, डॉगनेट अगर मैं बात करूं, आप लोग टीवी में देखते हैं तो इसका जो है शेप होता है वो कैसा होता है, इसका जो शेप होता है वो होता है टोरस, इस तरीके का होता है, जैसे आप लोग टीवी के भी ऊपर देखते हैं इस तरीके का ये होता है। तो आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा फिर, ए ऑप्शन। अब यहाँ पे ये जर्नल चीजें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि आपके पास ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है आपके पास ब्रदर है किसका, बी का, बट
बी इज नॉट दी सिस्टर, तो अगर बी सिस्टर नहीं है तो ऑब्वियस ब्रदर ही होगा ऑफ सी, ठीक है। और किसका, सी की अगर यहां पे बात करी जाए। आगे अगर मैं यहां पे बात करता हूं, आगे देखिए डी इज द फादर ऑफ ए, तो डी क्या है, फादर है, डी के आगे पापा आ गए। अगर डी पापा है, डी इज द फादर ऑफ ए एंड सी, ठीक है। इफ ई इज द मदर ऑफ बी, ई क्या है, मदर है, अगर बी की जो है ई मदर है तो ऑब्वियस है ये आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ ही होंगे ना। अगर ये इनके बच्चे हैं तो ये हस्बैंड वाइफ ही हुए। अब यहां पे देखो विच ऑफ द गिवन रिलेशन कैन नॉट बी ट्रू, इनमें से कौन सा जो है ट्रू नहीं है, आपसे ये पूछा गया है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, हाँ जी ए क्या है, भाई है, ये तो ट्रू है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। बी इज द सिस्टर, बी जो है सिस्टर, गलत। यहाँ पे जेंडर देखिए पॉजिटिव जेंडर है तो यहाँ पे यही आंसर होगा, क्योंकि यही तो पूछा था कैन नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, ठीक है, कैन नॉट ट्रू, यहाँ पे आंसर बनेगा बी ऑप्शन। होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर है, होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर है, तो आंसर क्या बनेगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए कि सीरीज का क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन मार्क में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, तो देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास यहाँ पे 13, 23, 16, 29, 22, फिर आपके पास डैश 34, 65, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो होपफुली आपको क्लियर है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ से हुआ क्या, अगर मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट पे लॉजिक लगाऊं तो 13 प्लस 3 कितने होते हैं 16, और आगे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लॉजिक प्लस ऑफ 6, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि लॉजिक जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। लॉजिक क्या है आपके पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो यहाँ पहले प्लस 3 हुए, प्लस आपके पास, अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा, ये आगे लग गया, 29 पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये 29 पे आएगा, ठीक है। तो 29 पे हम लेके आते हैं, देखिए यहाँ से 16 पे 6 ऐड करके 29 पे आ गया। अब 29 से नहीं, ठीक तो है, 22 पे आएगा, 16 प्लस 6 22 आएगा। अब 22 से आगे अगर हम लोगों को जाना है तो 22 से आगे अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ऑल्टरनेट चल रहे हैं तो इसको लेके छोड़ के यहाँ पे जाएंगे, कितने ऐड करेंगे, प्लस 12 यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। हमारे हमें एक बात पता है कि ऑल्टरनेट पे यहाँ पे ऐड करते हुए हम लोग चल रहे हैं, तो अगर इसमें 12 ऐड करते हैं तो 34 बन रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी देखते हैं कि 23 और 29 में प्लस ऑफ 6 का लॉजिक है, प्लस ऑफ 6 ऐड हुए हैं। अब यहाँ पे आगे फिर से डबल हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कितने हैं आपके पास, प्लस ऑफ 12, तो प्लस ऑफ 12 अगर करेंगे तो 41 आपका यहाँ पे बन जाएगा, क्या बनेगा, 41। आप लोग आगे चेक कर सकते हैं 24 को ऐड करके, तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है जो कि सिलोजिज्म का है, उसमें क्या है, ऑल ईयर आर आइस, सारे के सारे ईयर, ऑल ईयर, ऑल ईयर, ठीक है, सारे के सारे ईयर जो है वो क्या है, ऑल ईयर आर आइस। आगे है नो ईयर कैन स्मेल, ठीक है, पूरे के पूरे, सॉरी नो आई, नो आई कैन स्मेल, ये आपके पास क्वेश्चन था, ऑल ईयर था तो ऑल ईयर आपने बना लिए। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं, सम ईयर कैन स्मेल, कुछ ईयर जो है स्मेल हो सकते हैं, हो सकते हैं कि तो मतलब ही नहीं है, जब यहाँ पे क्लियर कट पता है, यहाँ पे तो क्लियर कट पता है कि आपके पास आईज और स्मेल के बीच में कोई रिलेशन है, तो अंदर वाले के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये क्या है आपके पास, गलत है, ठीक है। अगला क्या है, सम आई आर ईयर, कुछ आई तो ऑलरेडी ईयर के अंदर हैं, बिल्कुल हैं, तो आंसर इज सेकंड, आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। तो अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन की बात करता हूँ तो कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करते, हाँ जी, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो आपके पास क्या, ओनली टू फॉलो है, तो थर्ड ऑप्शन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, ओनली कंक्लूजन, थर्ड ऑप्शन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, जो कि आपका आंसर बनेगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, जो कि आपका यहाँ पे आंसर जो है बनना है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, जो कि आपका यहाँ पे आंसर बनना है, ठीक है। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आपके पास कुछ कोड गिवन है, आपके पास कुछ कोड गिवन है PULSE, पल्स का कोड क्या है PWNUE। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, SPELL का कोड क्या है SRGNL। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम है, अगर यहाँ पे देखूँ P की वैल्यू 16 है, R की 18 है, 5 है, 7 है, 12 है और 14 है, तो मतलब मेरे को यहाँ पे सारा आइडिया हो गया कि फर्स्ट और लास्ट सेम है, बाकी सभी में दो दो ऐड करना है। PLEAD आपके पास है, तो P और D तो सेम आएगा। अब 12 इसकी वैल्यू होती है, 14 किसकी वैल्यू होती है आपके पास से, यहाँ पे पता होना चाहिए N की, ठीक है। 5 इसकी वैल्यू होती है और 7 किसकी वैल्यू होती है G की। 1 इसकी वैल्यू होती है, 2 अगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा C, आपका जो आंसर बनेगा PNGCD आपका ये आंसर बन जाएगा, जो कि है A ऑप्शन, जो कि है A ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास सेम ही है, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या है। BULDING, अब यहाँ पे है आपके पास VGIIDLNU। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैंने क्या देखा कि सबसे पहले फर्स्ट जो है बिल्कुल सेम है, थर्ड जो है बिल्कुल सेम है, आगे अगर हम बात करें तो फोर्थ सेम है और आगे अगला सेम है, मतलब एक को छोड़ के एक सेम आ रहा है। अब ये जो यहाँ का सा का था वो लास्ट में उठ के चला गया, ठीक है। आगे L का यहाँ पे चला गया और ये N यहाँ पे आ गया आपके पास, और जो आखिरी G था वो यहाँ पे उठ के आ गया, ये है। तो सिमिलरली आप लोगों को यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा, AIRCRAFT। तो एक को छोड़ के एक तो पहले सेम रखिए, A ठीक है सेम रहेगा, R सेम रहेगा, अगला R फिर से सेम रहेगा, अगला F जो है यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ क्या है, U जो था उठ के आखिर में चला गया था, तो I जो है उठ के आखिर में चला जाएगा, ठीक है। और जो T है वो यहाँ पे आ जाएगा, और C जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, और A जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो आंसर चेक करते हैं, ARCFI, तो यहाँ पे चेक करिए, ठीक है, यहाँ पे चेक करिए, ARCFI, तो आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनेगा, आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या है, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि द डॉक्टर एडवाइस प्रियंका टू कंज्यूम मोर ओरिजिन्स एज विटामिन सी हेल्प टू प्रिवेंट द स्किन, ठीक है। तो डॉक्टर एक एडवाइस करता है उसको, तो आपके पास क्या है, प्रियंका लाइक कीप हर स्किन हेल्थी, बिल्कुल जी ऐसा हो सकता है। अगला क्या है, ओरेंजेस कंटेन विटामिन सी, बिल्कुल जी ऑरेंज के अंदर, खट्टी चीज के अंदर क्या है, विटामिन सी होता है। तो दोनों के दोनों ये हो सकते हैं, आंसर क्या बनेगा आपके पास, देखो बोथ एजप्शन 1 and 2 आर इम्प्लीसेंट, तो दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे होंगे, ठीक है, डॉक्टर जो एडवाइस करता है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे बोला है वेन डायग्राम है, पेंसिल रूलर एंड शॉर्पनर, पेंसिल और शॉर्पनर और ये रूलर तीनों के तीनों अलग अलग है, तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आपका बनेगा। होपफुली बात क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास 8 पीपल ऑफ अ डिफरेंट प्रोफेशन आर सिटिंग अराउंड इन अ स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल की बात करी गई है, एक स्क्वायर टेबल आपके पास यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि 8 बंदे बैठे हैं, ठीक है, सिटिंग अराउंड अ टेबल, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, 4 पीपल आर सिटिंग एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर पे हैं, 1 पर्सन इज सिटिंग एट द मिडल, तो लो जी यहाँ बंदे बिठा लो आप लोग, यहाँ पे बोला गया है 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 सेंटर में बैठे हैं, जो उन्होंने कहा
वो हमने बिठा लिया. They are seated such or going to clockwise. The people seated in a alternating position are facing inward. जो एक दूसरे के बैठे हैं वो alternate face कर रहे हैं, बाकी जो है आपके पास अपोजिट फेस कर रहे हैं. ठीक है, तो सेम बात है. इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पीपल सेटेड इन ऑल्टरनेट पोजिशन आर फेसिंग इनवर्ड. जो एक दूसरे के अपोजिट हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, बाकी अरेस्ट ऑफ द आउटवर्ड फेस. अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सिंपल यह है कि चार बंदे इनसाइड फेस कर रहे हैं, चार आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो इनको इनसाइड बिठा लीजिए, इनको आउटसाइड बिठा दीजिए. ठीक है जी, आगे अगर हम यहां पे बात करते हैं, द टीचर, यहां पे देखिए द टीचर हु इज ऑक्यूपाइंग वन ऑफ द कॉर्नर इज फेसिंग अवे टू द सेंटर. जो आपके पास टीचर है उसने बाहर वाला सेंटर जो है लिया हुआ है, बाहर की तरफ फेस करके बैठा है. एंड हैज द पायलट ऑन हिज द इमीडिएट राइट. अब यहाँ पे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको करने का सबसे आसान तरीका होता है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो. तो मैंने क्या किया, टीचर यहाँ पे बिठा लिया, मैंने क्या किया, टीचर यहाँ पे बिठा लिया. अब आपको पता है ना इनके लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट ये रहेंगे. ठीक है, हमने लेफ्ट राइट यहाँ पे बिठा लिए हैं. अब उसके आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, टीचर जो है वो बाहर की तरफ फेस करके बैठा गया है, फेसिंग टू द सेंटर. एंड हैज पायलट इज ऑन द इमीडिएट राइट, और वो पायलट जो है वो इसके इमीडिएट राइट पे है. तो अगर बाहर की तरफ है तो लेफ्ट राइट ये होगा, तो पायलट यहां पे आ जाएगा. पायलट भाई साहब यहां पे बैठे हैं. ठीक है, पायलट जो है यहां पे बैठे हैं. ठीक है, इज द इमीडिएट राइट, हु मतलब पायलट जो है, पायलट हु इज सिटिंग, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर. और जो पायलट है वो क्रिकेटर के सेकेंड राइटर पे है, तो क्रिकेटर यहां पे होगा, तभी उसका फर्स्ट और सेकंड राइट यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे तक ये कंडीशन अभी तक सेटिस्फाइड होती है. आगे अगर मैं बात करता हूँ, क्रिकेटर हु इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, लो जी क्रिकेटर जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहा था, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई. आगे अगर बात करते हैं, द डॉक्टर इज द ओनली पर्सन, डॉक्टर जो है एक अकेला ऐसा पर्सन है बिटवीन द बिजनेसमैन एंड बैंकर. मेरे को नहीं पता, मैं लिख लेता हूँ कि डॉक्टर जो है वो आपके पास बिजनेसमैन या फिर आपके पास बैंकर के बीच में, अभी आगे पीछे भी आ सकते हैं, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ पे होंगे. यहाँ पे बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है. आगे अगर यहाँ पे बात करते हैं, द डॉक्टर इज द ओनली पर्सन बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द बैंकर. एंड मतलब डॉक्टर की बात है, हैज आर्किटेक्चर एग्जैक्टली अपोजिट टू हिम, और डॉक्टर के अपोजिट कौन बैठा है, आर्किटेक्चर. ये आपको यहाँ पे गिवन है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि आर्किटेक्चर इसके अपोजिट में बैठा है. द लॉयर इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द बैंकर, कि बैंकर के इमीडिएट राइट में है लॉयर. देखिए यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन जो है हमारे को गिवन है, अब इसी को सेटिस्फाइड हम लोगों ने यहाँ पे करवाना है. अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाऊँ तो डॉक्टर को अगर मैं यहाँ पे बिठा दूँ तो आर्किटेक्चर भाई साहब मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, आर्किटेक्चर मेरे भाई साहब यहाँ पे आ गएंगे, और बैंकर के राइट में लॉकर है, लॉयर है, तो बैंकर भाई साहब यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, बैंकर भाई साहब यहाँ पे और लॉयर भाई साहब. ठीक है, लॉयर भाई साहब यहाँ पे आ जाएंगे और एक ही बंदा बचा है जो कि बिजनेसमैन है, वो उसे यहाँ पे आ जाएगा. तो सारे के सारे बंदे आपके ऑलरेडी बैठ गए. इफ ऑल द पीपल आर सिटिंग एट अ कॉर्नर, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो छोड़ जाते हैं, लीव द टेबल, देन हु विल बी द फर्स्ट पर्सन टू द राइट ऑफ पायलट. अब देखो अगर ये कॉर्नर वाला छोड़ गया तो पायलट के राइट में कौन बचा, अगर पायलट के राइट वाला ये छोड़ गया है, मतलब ये कॉर्नर वाला छोड़ गया, टीचर छोड़ गया, तो पायलट के राइट में कौन बचा, बिजनेसमैन. तो आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन. ठीक है, आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, Which letter is second? ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में जब आया था बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं. Which letter is the second letter? लिख लीजिए, second letter or to the left, मतलब second to the left, 12, ठीक है, of the letter which is 12th to the right. तो 12 बार,
ट्वेल्थ टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट, बस क्वेश्चन हो गया। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सबसे पहले नाइन फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा आता है, आई, आई के दो लेफ्ट में आ जाओ, अगर आई के लेफ्ट में आओगे तो आई की वैल्यू होती है नाइन, तो अगर एक लेफ्ट में आठ आएगा दूसरे लेफ्ट में सात आएगा, मतलब जी लो यहां भी सॉल्व हो गया। अब इसके 12 राइट में चले जाओ तो 12 राइट में सात प्लस 12 कितना हो जाएगा 19, तो यहां पे आ जाएगा एस। उसके दो लेफ्ट में आ जाओ तो एक लेफ्ट में आ जाएगा 18, दूसरे लेफ्ट में आ जाएगा 17, तो मतलब क्यों, ये था इसका मीनिंग। ठीक है, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, पर इसका मीनिंग ये था सिंपल, बस जो जो बोला है वो लिखो, आंसर खुद ब खुद ही आ जाएगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद ही आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की क्या बात है कि आपके पास विच हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, मोस्ट एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर लेजी, बोला है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो लेजी होते हैं, दिनेश इज ए लेजी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, देयर दोज हु आर नॉट लेजी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो क्या ये सही है, बोला कि जो बंदे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हैं वो क्या है, लेजी नहीं है। दोज हु आर नॉट लेजी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये तो सही बोल रहा है ना, दोज हु आर नॉट, हु आर नॉट बोला है उसने, ठीक है, आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिल्कुल सही है। सम गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर नॉट लेजी, अगर सम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो बिल्कुल सही है आपके पास, वो लेजी नहीं होते हैं। अगर यहां पे बात करते हैं तो वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि सम गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर नॉट लेजी, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है लेजी नहीं होते हैं। एक बार हम इसको पूरा चेक करेंगे, एक बार हम इसको जो है पूरा का पूरा चेक करेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या रहेगा। ठीक है, एक बार हम इसको और पूरा चेक करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है बच्चा छोटी छोटी गलतियां जो है वो कर जाता है, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं अक्सर इन्हीं क्वेश्चन में होती है, तो उससे आपको ऑलवेज ही यहाँ पे बचना पड़ेगा कि इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क्वेश्चन अगला थर्ड है, लेजीनेस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, तो क्या ये सही बात बोल रहा है, क्या ये सही बात बोल रहा है? आप लोगों को भी पता है कि लेजीनेस अगर होगी तो ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्या ऐसा है तो आप लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो आप लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आप लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये तो गलत बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दिनेश वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, गलत, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया दिनेश इज ए लेजी, पर ये नहीं बोला गया है कि दिनेश गवर्नमेंट में काम करता है, गलत। इसकी बात करते हैं, अक्सर इसमें बच्चों का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाता है कि ये क्या हुआ। इसमें देखता हूं मैं, ध्यान से आपको बताता हूं, ये मैंने पहले इसलिए टिक किया था क्योंकि बाद में मेरे को डिस्कशन करना था। दोज हु आर नॉट लेजी, बोला जो लेजी नहीं है, आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गलत बात है ना, ये तो कई बार बच्चे सही कर देते हैं, तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे टाइम लिया। ठीक है, सम गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर नॉट लेजी, बिल्कुल जी ये बात सही है कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो लेजी नहीं होते हैं। यहाँ ये जरूर है कि कुछ जरूर लेजी हैं, पर सारे लेजी हैं ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, होपफुली बात यहां तक क्लियर है, तो इसका आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन देखा जाता है, इसलिए पहले मैंने यहां पे टिक किया और यहां पे डिटेल में आपको इसे समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके पास डाइस का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है क्या, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ नंबर इज नॉट प्रेजेंट ऑन द अपोजिट, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो कॉमन कॉमन क्या है, दो दो कॉमन है, तो दो के अपोजिट क्या आएगा अभी हमें पता नहीं, बट अगर यहाँ पे टॉप में थ्री है तो इसके अपोजिट में ही आएगा, टॉप में थ्री है तो यहाँ पे वन ही आएगा, और यहाँ पे अगर छः है तो इसके अपोजिट क्या आएगा, पाँच आएगा। डाइस में छः ही नंबर होते हैं, तो दो के अपोजिट क्या आ गया, चार। तो यहाँ पे देखो छः के अपोजिट पाँच, ये तो आंसर है, ये मतलब ये तो आंसर नहीं बनेगा क्योंकि इसने पूछा नोट, तो वन के अपोजिट थ्री, वन के अपोजिट थ्री भी आएगा, दो के अपोजिट चार ये भी आएगा, पर तीन के अपोजिट चार नहीं आएगा, यही तो हमसे पूछा था कि कौन सा उसके अपोजिट नहीं आएगा, कौन सा उसके अपोजिट नहीं आएगा। तो होपफुली ये बात आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टी फोर एस ट्वेल्व, यहां पे देखिए के बीच में है और आपके पास क्यू 108,
और पी 324, ये आपके पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस चीज को जरा हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखते हैं, आपके पास टी की वैल्यू 20 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 19 होती है, और इसका पता नहीं, इसकी वैल्यू 17 और यहाँ पे 16। तो अगर 19 से अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं, 17 20 से 19 पे आए हैं, तो माइनस ऑफ 1 हुआ है, तो आगे कितना आएगा 18, 18 पे क्या आता है आर, ठीक है। तो माइनस ऑफ 1, तो आगे फिर से यहाँ पे क्या हुआ है माइनस ऑफ 1, और फिर से आगे क्या हुआ है माइनस ऑफ 1 हुआ है। अब यहाँ पे देखो, 4 से जब 12 के ऊपर गए हो तो मल्टीप्लाई 3 हुआ है, आगे इसको ही मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई 3 हुआ है तो 36, आगे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई 3, आगे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई 3, तो आर के 36, ठीक है। आर आपके पास यहाँ पे बनेगा आर 36, आपका आंसर बनेगा। दो वैल्यू कौन सी आएगी, आर और 36 आपकी आंसर आएगा, तो ये वैल्यू जो है दोनों की दोनों फिल करी जाएंगी, तब आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो होपफुली ये भी बात आप लोगों को यहाँ तक जो है क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखना चाहेंगे कि 2, 7, 14 क्वेश्चन मार्क, 34 एंड 47 जो है आपके पास यहाँ पे गिवन है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखता हूँ तो डिफरेंस कितने का है 5 का, आगे डिफरेंस देखता हूँ तो डिफरेंस कितने का है 7 का, आगे अगर डिफरेंस देखता हूँ तो आपके पास डिफरेंस कितने का आएगा 9 का, आगे डिफरेंस देखें तो कितना आएगा 11 का, आगे अगर देखें तो आपके पास आएगा 13 का। आप कंटिन्यू कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 23, 14 प्लस 9 आपके पास कितने होते हैं 23, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आंसर बन जाएगा। होपफुली यहाँ तक सारे के सारे सम आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। तो ज्ञान में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद यहाँ पे करता हूँ। ओके जी गाइस, थैंक यू। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सब तो पहला स्वागत है थोड़ा सारिया का ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्ते। सो गाइस, अज आप डिस्कस करेंगे जी PSPCL का प्रीवियस ईयर एग्जाम, जिस विच मैं थोड़ा डिस्कस करवाऊंगा जी क्वांट सेक्शन की कहे जी क्वेश्चन अपने एग्जाम च आए थे, राइट। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है जी अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। अ शॉपकीपर कुड हैव अर्न ₹12 मोर, कहने एक शॉपकीपर है जिहड़ा वो कहिंदा 12 रुपए होर मतलब कि अर्न कर सकदा सी इफ ही सोल्ड द प्रोडक्ट एट 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 8% लॉस। इंस्टेड ऑफ 8% लॉस, जेकर वह 8% लॉस की बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन जेकर वह 8% लॉस की बजाय 8% प्रॉफिट से बेचता तो 12% होर अर्न कर सकता सी। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट विच द शॉपकीपर हैज बोट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आपां नूं सीपी पता करनी है, राइट। सो गाइस, सोल्यूशन कर देंगे आपां क्वेश्चन नंबर 47 अपने PSPCL एग्जाम का प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है जी। सो गाइस, लेट कर लें कि अपनी जिहड़ी सीपी है वह 100 है, लेट कर लें कि अपनी जिहड़ी सीपी है वह 100 रुपीज है। कहिंदा जेकर वह इस तो, जेकर वह इस तो कि किन्ने परसेंट की 8% ज्यादा मीनस 108% का बेचता, एक काम करते हैं जी इनू परसेंटेज लें, लेट कर रहे हैं कि सीपी मेरी 100% है और 108% से बेचता इंस्टेड ऑफ ओह 8% लॉस की बजाय मीन 92% से बेचने की बजाय जेकर 108% से बेचता है तो 12 रुपए की होंगी है ज्यादा कमाई होंगी है। सो गाइस, दोनों का गैप कितना आ गया जी 16%, दोनों का गैप कितना आ गया एसपी का 16%, तो यह मतलब 16% 12 रुपए के बराबर है जी। 1% कि बराबर हो गया जी 12/16 एवरीबडी, तो मैं 100% कट सकता जी यूनिटरी मैथड लगा के। सो गाइस, कितना आ जाऊगा जी 12/16 इंटू 100, 4 3 दा 4 4 दा 4 इत कट गया जी 25। सो गाइस, 3 × 25 मीनस ओदी खुद की कीमत सीपी ओदी जेब चो किन्ने रुपए लगे से जी 75 रुपए लगे गए, राइट। कहिंदा जी जेकर वो 100 वाली चीज, जेकर वो 100 वाली चीज, जेकर गाइस वो 100 वाली चीज 108% ते बेचे मीन 8% प्रॉफिट ते बेचे की दे बजाय इंस्टेड ऑफ 8% लॉस दी ता वह 12 रुपए कमाता, लेकिन जो 12 रुपए ने तो रुपए के हिसाब नाले परसेंटेज चो किन्ना कमा रहे जी 16%, यानी 16% इन्हों दो 16% कितों है, इन्हों दो का गैप, इन्हों दो का गैप डिफरेंस 16% है, किन्ना जी 16%, यानी 16% कि बराबर हो गया 12 रुपए के, 1% 12/16। सो गाइस, 100% कितना हो गया 75, राइट एवरीबडी। सो जे 12/16 नूं तुसीं 3/4 लिखना है तो 3/4 भी लिख सकते सी, 3/4 अपने आप च की हुंदा है जी 75, एवरीबडी क्लियर है जी इस विच। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करदे हां जी, क्वेश्चन नंबर 48।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी आपा क्वेश्चन नंबर 48 एवरीबॉडी क्लियर है जी क्वेश्चन नंबर 48 जिहड़ा हैगा जी वो एजिस चैप्टर तो है सो गाइस देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 48 च आपां नूं की दिता होया है की पूछ रहे है जी वो आपां नूं राइट सो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी अपना पीएसपीसीएल एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट का किहड़ा क्वेश्चन है जी ओके सो कपिल इज एल्डर ब्रदर ऑफ कुणाल सो एजिस चैप्टर तो है जी क्वेश्चन नंबर 48 यस राइट कपिल इज एल्डर ब्रदर राइट कपिल इज एल्डर ब्रदर ऑफ कुणाल कुणाल एंड देयर एजेस राइट And their ages are in double digits. Double digit means two digit. तो मतलब की हुआ है guys two digit. And their ages are in two digits, right? Kapil is elder brother of Kunal and their ages are in double digit. The difference between their ages is 1/11th of the sum of their ages. The difference between their ages is 1/11th of the sum of their ages. Sum of their ages. Right, everybody? The difference between their ages is 1/11th of the sum of their ages. If the digits of the couple are reversed. We get Kunal's age. कहिंदा जे आपां कपिल दी एज दे डिजिट्स नूं रिवर्स कर देंगे वी गेट कुणाल्स एज वॉट इज द एज ऑफ कुणाल थोड़ी स्टेटमेंट लंबी है बट क्वेश्चन काफी ईजी है और प्लीज इनू किसी एक्स वाई नाल ना करियो ठीक है जी अहे जा क्वेश्चन जो भी आंदा गो थ्रू द ऑप्शन बहुत ईजी होंगे जी गो थ्रू द ऑप्शन हार्डली इट विल टेक 20 सैकेंड राइट सो प्लीज एक्स वाई नाल ना करियो ना मैं थोनू एक्स वाई नाल करवाऊंगा ए क्वेश्चन दी आपां अप्रोच रखांगे ऑप्शन एजिस दा ज्यादातर क्वेश्चन तुसीं ऑप्शन चो करिया करो कपिल इज एल्डर ब्रदर ऑफ कुणाल पता है जी कपिल वड्डा है कुणाल तो ठीक है जी एंड देयर एजिस आर इन डबल डिजिट ठीक है जी उन्हां दी जिहड़ी एजिस ने वो डबल डिजिट मीन्स टू डिजिट दी फॉर्म च ने द डिफरेंस बिटवीन देयर एजिस इज 1/11th ऑफ द सम ऑफ देयर एजिस इनू आपां बाद च चकांगे इफ द डिजिट्स ऑफ द एजिस ऑफ द कपिल आर रिवर्स कहिंदा जी कपिल दी जिहड़े डिजिट्स ने उहनू रिवर्स करांगे तां कुणाल दी एज आउंदी है तुहाडे पुछिया कहिंदा व्हाट इज द एज ऑफ द कुणाल सो गाइस व्हाट इज द एज ऑफ द कुणाल इट मीन आपां नूं ऑप्शन किहदे दित्ते होणगे कुणाल दे सो गाइस मेरे को इत्थे ऑप्शंस ने जी 23-45 सो पहला ऑप्शन है जी 23 दूसरा ऑप्शन है जी 45 राइट एवरीबॉडी नेक्स्ट हैगा जी 54 एंड 35 सो गाइस एक आपां नूं दे रखा जी ऑप्शन 35 राइट सो पहला ऑप्शन लेने आ मान लो कुणाल जिहड़ा हैगा प्लीज ध्यान नाल सुनना पहला ऑप्शन लेना जी मान लो कुणाल 23 साल दा है ठीक है जी तां कपिल इहदा मतलब कपिल दे डिजिट्स दा रिवर्स कीता तां कुणाल बणिया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਪਿਲ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ 32 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਨਾਲ 23 ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੁਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਕੁਨਾਲ ਕੁਨਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਪਿਲ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਨਾਲ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ 23 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਚੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ सो गाइस जे मैं 23 च 9 जोड़ूंगा देखो पहला तो जे मैं 10 जोड़ूंगा तो 33 हो जाएगा इट मीन मैं 9 जोड़ूंगा इन्हां दोनों दी जिहड़ी एज दा डिफरेंस है जी वो 9 है एज दा डिफरेंस की है जी 9 एवरीबॉडी क्लियर है हुण कहिंदा उहने की लिखा द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज कहिंदे जिहड़े 9 है वो किहदे बराबर है जी 1/11th ऑफ देयर सम लेट मी चेक इन्हां दोनों दा सम करिया तां किन्ना आ जाऊगा जी 55 आ गया
बट जे आप इन्हें कट्टीए तो पांच आंदा जी, नौ कदे भी बराबर नहीं होया पांच दे। सो गाइज ये ऑप्शन गलत है, आप दूसरा ऑप्शन चेक कर दिया 45 राइट। सो गाइज मैं 45 ऑप्शन चो चक रहे हैं भी, प्लीज ध्यान सुनो, इतने मैं 45 चकदा कुणाल लई, ठीक है। जे मैं कुणाल लई 45 चकदा तो किते ना किते कपिल दा रिवर्स करया होगा, ता जाके कुणाल आया होगा। सो गाइज कपिल दी एज किनी आ गई 54, दोहां दा डिफरेंस आया किन्ना आया 9। सो गाइज 1/11, ठीक है जी, चेक कर लो 9 आ रहा है। 1/11 ऑफ सम, इन्हां दोनों दा सम यानी 54 प्लस 45 यानी 99 हो गया जी। सो 9 इज इक्वल टू 1/11 इनटू 99। सो गाइज कटिंग करोगे तो 9 किदे बराबर आ गया 9 दे, इट मीन 45 इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, कदे भी एजेस का क्वेश्चन आंदा ट्राई टू सॉल्व दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस ओनली, राइट एवरीबॉडी। ऑलराइट गाइज, अपने पेपर पीएसपीसीएल दा हुण आपां नेक्स्ट क्वेश्चन करदे हां जो कि 56 नंबर क्वेश्चन है जी, राइट। ऑलराइट गाइज, रेशियो दा क्वेश्चन है जी, 56 नंबर क्वेश्चन, राइट। मैं बोर्ड ते पहला स्टेटमेंट लिख रहा हां जी, क्वेश्चन नंबर 56 दी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 56 दी स्टेटमेंट लिखदा, ऑप्शन जो काफी ईजी पै जाता इंस्टेंट की तुसी एक्स वाई नाल इक्वेशंस बनाउंदे फिरोगे जी, नो प्लीज ओ ना करियो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करदे जी 56 नंबर। ओके 56 नंबर की कह रहे जी, कहिंदा इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज, इफ एन अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 56 है जी, इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज, इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 943, इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 943 इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 943 इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट इन द प्रपोर्शन 1/2 in the proportion 1/2 comma 1/2 right 1/2 2/3 3/4 right everybody 1/2 2/3 3/4 then the second part is a ratio and proportion jo hai then the second part is so guys bahut hi easy question hai ji ऑल ओवर मतलब कि क्वांट का पूरा सेक्शन इजी सीगा जी सो सॉल्यूशन करदे जी क्वेश्चन नंबर 56 दा राइट सो गाइस 56 नंबर क्वेश्चन दा सॉल्यूशन है कहंदा आपां ने 943 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करने ने जी इन थ्री पार्ट इन द प्रोपोर्शन सब तो पहला आपां मतलब कि रेशियो बनावांगे जी पहला आपां एलसीएम लवांगे जी एलसीएम किदा किदा लवांगे जी 2, 3, 4 दा जो कि 12 आ गया 1/2 अपना 2/3 3/4 12/2 यानी 6 गुना 1 6 आ गया जी 12/3 यानी 4 गुना 2 8 आ गया जी 12/4 3 गुना 3 9 आ गया जी सो गाइस क्लियर है जी सो गाइस रेशियो दा टोटल कितना हो गया जी 14 ते 9 यानी 23 पार्ट्स किदे बराबर ने जी 943 दे 1 पार्ट किदे बराबर आ गया जी 41 दे सो उन्हें सेकंड पार्ट पूछा तां मैं बोल सकदा कि 8 पार्ट किदे बराबर आ जाणगे जी 3 to 8 रुपीज एवरीबडी क्लियर है यस एवरीबडी क्लियर है 3 to 8 यस एवरीबडी क्लियर है सब तो पहला आपने रेशियो च कन्वर्ट किया नॉर्मल रेशियो च ठीक है जी 23 पार्ट कितों आए जी 8, 6, 8 और 9 ऐड करके 23 आया वह कि बराबर सेगा जी अपने को 943 रुपीज के 1 पार्ट कि बराबर आ गया जी 41 दे सो 8 पार्ट पूछे ने क्योंकि सैकेंड पार्ट पूछा है सो दैट मैं 8 नाल मल्टीप्लाई ता किया राइट ईजी क्वेश्चन से जी काफ़ी है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 57 जो कि एवरेज चैप्टर तो है क्वेश्चन नंबर 57 जो कि एवरेज चैप्टर तो है गाइस राइट ओके क्वेश्चन नंबर 57 जो कि एवरेज चैप्टर तो गाइस राइट एवरीबॉडी ओके की कह रहे थे वो द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ पी एंड क्यू इज 8250 द एवरेज मंथली
द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ पी एंड क्यू, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ पी एंड क्यू इज रुपीज 8250, राइट? The average monthly salary of P and Q is 8250. The average monthly salary of Q and R is, the average monthly salary of Q and R is 7650, right? 7650. Similarly, P and R is 6125. Similarly, average of P and R is, similarly, average of P and R is, P and R is 6125 rupees, right, everybody? Find the monthly salary of Q. Find the monthly salary of Q. Right, everybody? So, guys, the average monthly salary of P and Q is rupees 8250. The average monthly salary of Q and R is 7650. Similarly, the average salary of P and R is 6125. Find the monthly salary of Q. Alright guys, so guys, ये अपन normal average नाल ही करना होगा, so solution करने हैं guys, question number 57 था, सब तो पहले कर आप P plus Q दा total लिखने हैं, salary दा, into 2 करांगे लिखना था, थोड़ा जा मैं इधरों ही start कर लेना, so that पूरा पूरा आ देदी, right everybody, P plus Q, right, so की लिखूंगा जी, 8250 into 2, So 16500 total आ गए, alright. So अगला जी अपने को Q plus R 7650 into 2. करो जी पहला 7650 के ना आ गए बिल्कुल 15300. तुसी कला कला करके भी कर सकते सीधी. Next है जी P ते R 6125 into 2. Right everybody? 12 250, yes, 6000, यानी डबल की ता 12250, alright guys, इना सारे नू add कर लिना, 2 common आ गया जी, P plus Q plus R, ठीक है जी, P plus Q plus R, equation 1 होगी जी, equation 2 होगी, equation 3 होगी बिल्कुल, right, इना सारे नू add कर लिया, ता 2 common आ गया, जो तो मैं इधर सारे नू add करूंगा, ता के ना जुगा जी, 0, 5 आ गया, so 0 आ गया जी, अपना 11, 12, 13, 1, 14, 3, 4 आ गया, right guys, 44050 आ गया, so guys, एथे के ना आजूगा जी, P plus Q plus R के ना आजूगा जी, मेरे को, P plus Q plus R आ गया जी, मेरे को, 22025, alright guys, so guys, हम कटना किया, आपने Q कटना, तो मैं P ते R दी value minus कर सकता जी, so आपने को तिन्ना जी value दा पता लग गया जी, ठीक है जी, मैं इधर ही चाहूँ जब P ते R दी value minus कर दा था, मेरे को Q दी value रह चुकी थी, so guys, मैं की कर रहा Q दी value कट दा ली, इधर जो मैं P ते R दी value जो किया है जी, minus करूँगा, yes everybody, P ते R दी value minus करेंगे, ना ही Q दी value बचूगी थी, so guys, answer के ना आजूगा जी, 9775, everybody clear है जी, 125 चो 50 गए थी, yes, 75, 9775, everybody clear है थी, so ए सीगा जी अपने average chapter तो related question, अपने PSPC और previous exam दे विच, alright guys, next question कर दे थी, question number 58, जो कि अपने HCF LCM chapter तो है, right everybody, HCF LCM chapter तो है, okay, so HCF LCM chapter तो अपना next question है जी, काफी easy question है जी ये भी, So, question number है गदी अपने कोल 58, alright, question number है गदी अपने कोल 58, चलोगी, question number 58, अगेन मैं बोलते लिखना, the product of the two number is 4046, the product of two numbers is 4046. The product of two numbers is 4046 and their HCF is 17.
एंड देयर HCF इज 17 एंड देयर HCF इज 17 द नंबर ऑफ सच पेयर इज द नंबर ऑफ सच पेयर इज द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज राइट एवरीबडी हम की कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 4046 एंड देयर HCF इज 17 द नंबर ऑफ सच पेयर इज सो गाइस आप लेट कर लेने ठीक है जी लेट कर लेने सॉल्यूशन है जी क्वेश्चन नंबर लेट कर लेने लेट द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड लेट द टू नंबर्स चलो सीधा ही लिख लेंगे लेट द टू उधर लिखा है जी मैं लेट द टू नंबर्स बी 17x एंड 17y बिकॉज HCF आपां नूं 17 दे रखे है ना तो 17 का मतलब है कि वो दो नंबरां दे अंदर 17 तो होगा ही होगा राइट सो हुण उहनां दी प्रोडक्ट आपां नूं 4046 दे रखे तो मैं बोल सकदा कि पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है जी इन्हां दा HCF HCF हुंदा जिहड़ा दोनों च कॉमन होवे प्रेजेंट होवे सो गाइस इन्हां दी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्हां दी प्रोडक्ट आपां नूं आ दे रखी सी सो गाइस XY उरे किन्ना रह जूगा जी 4046 डिवाइड बाय इथों की आ जूगा जी 289 17 इनटू 17 कॉमन नहीं आऊगा बिकॉज मल्टीप्लाई है कॉमन नहीं आऊगा बिकॉज मल्टीप्लाई है यस एवरीबॉडी कॉमन नहीं आऊगा बिकॉज मल्टीप्लाई है राइट सो गाइस किन्ना आ गया जी 14 आ गया हुण आपां ने पेयर दसने ने सो गाइस क्लीयरली दो पेयर बन रहे ने जी अपने कोल 14 दे एक था 2 इनटू 7 एक 1 और 14 So how many pairs guys? 2 pairs. How many pairs? The number of such pairs kine pair ban rahe ne 2. So mera answer kina hoga ji 2 pairs. Counting the answer kina aa jauga ji 2 pairs. Right everybody? So clear let the two numbers be 17x and 17y. Why 17x and 17 because why? Because HCF 17 hai. 70 HCF da matlab hunda hai ki oh figure jehdi ohne ditti hai oh dono numbers present hogi. Right? So 17x and 17y च common की है जी 17 जो कि HCF कहलाता है right so xy की value काट कटा के नहीं आ गई जी 14 तो pair पूछे सी तो 14 के pair की बन गए 2 ते 7 ते 1 ते 14 how many pair guys 2 pairs how many pair guys 2 pairs right okay question number 61 है जी अपना next question है जी question number 61 all right guys question number 61 कर दें क्वेश्चन नंबर 61 की कह रहा है जी वो लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 61 दी स्टेटमेंट पहला मैं बोर्ड पे लिखदा जी क्वेश्चन नंबर 61 राइट सो की कह रहा है जी वो कहना इन ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट टू फ्लैट्स आर सोल्ड रुपीस 35 लाख ईच इन ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट Two flats are sold. Two flats are sold for rupees 35 lakh each by the flat promoter. By the flat promoter. Right, everybody? In a newly constructed apartment, two flats are sold for rupees 35 lakh each by the... This is each. Right, everybody? This is each. The most important word is each and the most important word is sold. Clear, everybody? By the flat promoter. Agi ki likh rahe hain. One... On one, he gains 20%. On the other, he loses 20%. On one, he gains 20%. On the other, he losses 20%. Right? Clear, teacher? What is his gain or loss percent? What is his gain or loss percent? Right, everybody?
सो गाइस कदे भी याद रखियो अजिहा क्वेश्चन आउंदा इहनू पूरा पूरा सॉल्व करन दी लोड नहीं हैगी जी। अप्लाई सक्सेसिव एवरीबॉडी मैं बार बार बोलदा जिस क्वेश्चन च कदे भी सोल्ड होवे दो फ्लैट आपां ने सोल्ड कीते ने तां ईच उन्हां दी कीमत सेम होवे एक पासे देखो प्रॉफिट होवे एक पासे लॉस होवे एक पासे प्रॉफिट होवे गेन होवे एक पासे लॉस होवे प्रोवाइडेड ओदी जिहड़ी परसेंटेज आ उह सेम होनी चाहीदी है जी। परसेंटेज ओ की होनी चाहिए सेम तो आप सक्सेसिव आला मैथड अपलाई कर सकते हैं। दोबारा देख लो दोनों की सैलिंग प्राइस की होगी सैलिंग प्राइस ऑफ फ्लैट वन एंड सैलिंग प्राइस ऑफ फ्लैट टू दोनों की जी एक ही चीज होगी सेम होनी चाहिए जी सेम सैलिंग प्राइस ऑफ फ्लैट वन एंड फ्लैट टू कोई भी आर्टिकल होगा इट कैन बी स्कूटर ऑलसो इट कैन बी वॉच ऑलसो इतने अपने को फ्लैट है जी ठीक है एक का प्रॉफिट परसेंट होगा एक तो प्रॉफिट परसेंट होगा एक तो लॉस परसेंट होगा ठीक है जी एक तो प्रॉफिट परसेंट होगा एक तो लॉस परसेंट होगा और दोनों की जी परसेंटेज है वह भी की होनी चाहिए जी सेम होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल 10-20% गेन है 20% लॉस है परसेंटेज की है सेम है सो गाइस सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हो जी आप सो 20% की होंगे जी 1/5 सो मैं लिख सकता जी 5 एक तो गेन हो रहा है तो 5 च एक हिस्सा जुड़िया 6 5 च एक हिस्सा घटाया 4 क्योंकि दूसरे पे मैंने लॉस हो रहा है पहली गल तो 20% नूं आपां 1/5 लिखांगे 5 च एक जोड़ूंगा जी 5 च एक जोड़ूंगा तो 6 आ गया 5 चो एक घटाऊंगा तो 4 आ गया जी 5 25 आ गया जी 6 24 सो गाइस किन्ने दा लॉस हो रहा जी मैनू एक दा लॉस हो रहा किदे विच 25 × 200 सो गाइस मैनू ओवरऑल ट्रांजैक्शन ते किन्ने दा लॉस होया जी 4% लॉस आ गया सो गाइस मैनू किन्ना आंसर आ गया जी 4% लॉस सानू किवें पता लगूगा सर लॉस हो रहा 25 तो घट रही है मेरी रकम 24 जे 25 तो वध रही हुंदी तां मैनू की हो रहा हुंदा जी प्रॉफिट हो रहा हुंदा राइट एवरीबॉडी फिलहाल मैनू 4% दा की हो गया जी लॉस हो गया राइट एवरीबॉडी आई होप गाइस क्लियर है जी अगला क्वेश्चन वादे हैं जी आप की कह रहे थे वो ओके अ बेडरूम इज 6 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर इन लेंथ ऑलराइट गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट कर दें जी क्वेश्चन नंबर 62 सो गाइस क्वेश्चन नंबर 62 देखने हैं जी की कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 62 की कह रहे हैं जी अ बेडरूम इज 6 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर इन लेंथ क्वेश्चन नंबर 62 A bedroom is 6 meter and 42 centimeter. A bedroom is 6 meter and 42 centimeter and 4 meter in length and 4 meter and 62 centimeter in width. Okay. In length. Mensuration chapter to end. 4 meter and 62 centimeter. Let me check again. 4 meter and 62 centimeter in width. The least, the least number of square tiles, the least number of square tiles of equal size required to cover the entire floor of the bedroom is A bedroom is 6 meter and 42 centimeter in length and 44 meter and 62 centimeter in width. The least number da hunda, the minimum number, right? The least number of square tile of equal size required to cover the entire floor of the bedroom. राइट एवरीबॉडी सो गाइस सब तो पहली गल तो लीस्ट नंबर का मतलब होंगे एच सी एफ मिनिमम भी आ सकता है और लीस्ट नंबर भी आ सकता है याद रखियो प्लीज आपने सब तो पहला तो एच सी एफ नाल आपने उस स्क्वायर टाइल की साइड पता करनी है सब तो पहली गल याद रखियो जिस क्वेश्चन च अजिहे क्वेश्चन च लीस्ट नंबर पूछा जाऊगा इट मीन आपने एच सी एफ कढ़ना है सो एच सी एफ नाल आपां सब तो पहला की करांगे जी उस स्क्वायर टाइल की साइड पता करांगे 6 मीटर 42 है इनू मैं की लिख सकता जी 6 42
सेंटीमीटर लिख सकता जी, इतने मैं की लिख सकता जी अपना 462 सेंटीमीटर लिख सकता, मैं सारे नूं ही सेंटीमीटर च कन्वर्ट कर लिया जी, राइट एवरीबॉडी। सो गाइस सब तो पहला आपां इन्हां दा की करांगे एचसीएफ कढ़ांगे, जो कि एचसीएफ जब तुसीं कढ़ोगे तां 6 आ गया, वह एचसीएफ की रिप्रेजेंट करूगा, साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल, साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल, तां साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल की आ गई जी 6 सेंटीमीटर आ गई, एचसीएफ किन्ना आ गया जी 6 आ गया, तां 6 की आएगी साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल, एवरीबॉडी क्लियर है जी इस चीज, राइट एवरीबॉडी क्लियर, एचसीएफ किन्ना आ गया जी 6 आ गया, तां 6 की आया जी साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल आ गई। हुण आपां ने नंबर ऑफ टाइल्स कढ़नियां ने जी, नंबर ऑफ टाइल्स किवें कढ़ांगे जी, सो एक गल दा जवाब दो, एरिया फ्लोर नैचुरली गल आपां फ्लोर ते टाइलां लाउणियां ने, सो नंबर ऑफ टाइल्स किवें निकलणगियां जी, जे आपां एरिया फ्लोर उत्ते रखांगे जी, एरिया ऑफ फ्लोर उपर आऊगा जी, एरिया फ्लोर उत्ते आऊगा, नीचे की आऊगा जी एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, सो एरिया ऑफ फ्लोर कितना जी, एरिया ऑफ फ्लोर तुसी आप दसो जी, एरिया ऑफ फ्लोर कितना, 642 into 462, सो एरिया ऑफ टाइल कितना आ जाऊगा जी, 6 into 6 आ जाऊगा, कितना आ जाऊगा जी, 6 into 6 आ जाऊगा। सो गाइस जदों तुसी इनू सॉल्व करोगे जी, देखो उरे तो पूरा पूरा कट के 107 आ रहा जी, उरो जदों पूरा पूरा कटोगे तो 77 आ जाऊगा, सो कितना आंसर आ जाऊगा जी, 8239 टाइल्स, जब तुसी सॉल्व करोगे बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, 8239 की आ जाऊगा जी टाइल्स आ जाएंगे, राइट एवरीबॉडी, आई होप कि थोड़े क्वेश्चन क्लियर है जी। नेक्स्ट करते जी क्वेश्चन नंबर 63, यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 63, राइट क्वेश्चन नंबर 63, ओके सो गाइस क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं जी, हुण आपां की कह रहे जी, वो लो जी क्वेश्चन नंबर 63 मैं थोड़े सामने लिखन चलिया जी, क्वेश्चन नंबर 63, राइट सो की कह रहे जी क्वेश्चन नंबर 63, द सैलरीज ऑफ थ्री मेंबर्स एबीसी आर इन द रेशियो 2, 5 and 7, ओके क्वेश्चन नंबर 63, द सैलरीज ऑफ थ्री, द सैलरीज ऑफ थ्री मेंबर्स आर इन द रेशियो, द सैलरीज ऑफ थ्री मेंबर आर इन द रेशियो 2:5:7, 2:5:7, द सैलरीज ऑफ थ्री मेंबर आर इन द रेशियो 2:5:7, द सैलरी ऑफ बी एंड सी टूगेदर इज रुपीज, द सैलरी ऑफ बी एंड सी इज रुपीज 24,000, the salary of B and C is rupees 24,000, yes the salary of B and C is rupees 24,000, yes what percent more is the salary of C than that of A, okay what percent more the salary of C is, what percent more the salary of C than that of A? Than that of A. Alright guys, clear it? So the salaries of three member are in the ratio 2:5:7. The salary of B and C is 24,000. What percent more? Alright guys. So guys, main bol sakta hu ki question number 63 ka solution kar diya. So guys, A, B, C दी रेशियो दे रखी है कि मैं लिख सकता जी 2x, 5x and 7x, राइट एवरीबॉडी, सो गाइस मैं बोल सकता कि जेड़ा 14x है वो की दे बराबर है जी, सॉरी जेड़ा अपना हाँ जी 14x नहीं 12x, क्योंकि B ते C दा टोटल है जी, B ते C दा टोटल है, तो मैं 12x लिखूंगा तो की दे बराबर है जी 24,000 दी, सो गाइस x दी वैल्यू रे 2000 आ गई, x दी वैल्यू कितनी आ गई जी 2000, एवरीबॉडी क्लियर है, उन्होंने की पूछा व्हाट इज द सैलरी, व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ ए, सी इज मोर देन दैट ऑफ ए, सो गाइस सब तो पहली गल दी 2000 आई है, तो ए दी सैलरी कितनी, ए दी सैलरी कितनी होगी जी 4000, कॉमा ओए कितना आ गया जी 10000,
उरे किन्ना आ गया जी 14,000। सी दी सैलरी किन्नी ज्यादा है जी 10,000 ज्यादा। किन्नी ज्यादा जी 10,000। किस तो ज्यादा है? ए तो 4,000 तो। एन 200। सो गाइस 20 ਨਾਲ 20 10 ਨਾਲ 10 ਕੱਟ ਗਈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ 250% ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ 250%। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਰ ਆ ਗਈ? ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਰ ਆ ਗਈ? 250%। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਸੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ? 10,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 4,000 ਹੈ, ਸੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 14,000 ਹੈ, ਤਾਂ 250% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64, ओके क्वेश्चन नंबर 64 की कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लर्निंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 64 की कह रहे थे वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लर्निंग अगेंस्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लर्निंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। अ वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 8.6 मीटर एंड द फुट ऑफ द लैडर away from the wall, the length of the ladder is right guys, the length of the ladder, the angle of the elevation of the ladder leaning against a wall is 60 degree। so guys main the wall bana rahe hain ji, like this, maybe a wall hai, a ladder, यानी एसी मेरी लैडर है जी, ठीक है जी। सो जी 8.6 है वो आ है जी, 8.6 मीटर है जी, आ 60 डिग्री है, दिस इज 60, सारा कुछ क्वेश्चन जो गिवन है जी, अगेंस्ट द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 8.6 अवे फ्रॉम द वॉल, राइट एवरीबॉडी। सो की है कहना, ए बी अपने को वॉल है जी, ए मैं थोड़ा लिखने की लोड़ नहीं, मैं सीधा ही दस रहा, ए बी अपने को वॉल है। सो क्वेश्चन नंबर 64 का सोल्यूशन है जी। सो गाइस ए बी अपने कोल की है वॉल है, ठीक है जी, ए बी अपने कोल की है वॉल है, बी सी मेरे को लैडर है, बी सी चलो मैं भी इतने नाम बी सी दे देना, दिस इज ए मान लेंगे, राइट एवरी, बी सी अपने कोल की है लैडर है जी, आ सारी लैडर है जी अपने, दिस इज लैडर, ठीक है जी, दिस इज लैडर, राइट एवरीबडी, दिस इज लैडर, अ वॉल है जी, ठीक है जी, एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 8.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी एसी मेरे को 8.6 मीटर है, राइट। सो गाइस जी मैं बोल सकता एंगल एसीबी मेरे को 60 डिग्री है, यस, एंगल एसीबी जेड़ा मेरे को है जी वो 60 डिग्री होगा। ऑलराइट गाइस 60 डिग्री हो गया, तो मेरे को जेड़ी एसी है वो कितनी होगी जी, 8.6 मीटर होगी। और की पूछा द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी अपने बीसी दसनी है जी, अपने की दसनी है कि बीसी कितनी है, राइट एवरीबॉडी, अपने की दसनी है कि बीसी कितनी है, ओके गाइस। सो की लग रहा है जी, कॉस 60 डिग्री, ठीक है जी, मैं कॉस लगा सकता जी एसी अपॉन बीसी, एसी गिवन है जी अपने को, एसी अपॉन बीसी, सो गाइस एसी अपॉन बीसी, क्लियर है जी, कॉस 60 डिग्री आ गया जी, पहले तो मैंने ये दसो जी, कॉस 60 डिग्री आ गया जी, कॉस 60 डिग्री की होंगे जी 1/2। सो गाइस 8.6 अपने को एसी दे रखे, बीसी अपने पता करनी है, ए के ना होंगे जी 1/2। सो गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीसी के ना आ जाऊंगा जी 17.2 मीटर,
यस एवरीबॉडी 17.2 मीटर. सो लेंथ ऑफ द लेटर इज बीसी के नाम है जी 17.2 मीटर. एवरीबॉडी क्लियर है जी, कर लूंगी जी ये चीज. आई होप गाइस क्लियर है. हाँ जी, कॉस की होंगे जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जे किसी नु नहीं पता था प्लीज यही की है अपने को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले राइट. एक अपने छोटी होंगी क्लासेस कीता सी तां मैं कॉस दी वैल्यू कढ़ी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट. सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की आ गई कॉस 60 डिग्री के अंदर जी 1/2. सो उठो अपने बीसी दी वैल्यू कढ़ ली. ऑलराइट गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 65 कर दिया. इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन नंबर 65 ओके जी, क्वेश्चन नंबर 65 राइट एवरीबॉडी. क्वेश्चन नंबर 65 की कह रहे हो if the radius of the circle is diminished by 20% then its area is diminished by 65. If the radius of the circle is diminished by 20%, if the radius of the circle is diminished by 20%, then its area is diminished by. So guys, मैं थोनू दस्या हुआ है कि if the radius of the circle, देखो ये circle है, ठीक है, a radius है. सो गाइस ए भी रेडियस है. देखो ज्यादा इंक्रीज होगा तो ए भी इंक्रीज होगा बिकॉज बोथ रेडियस आर इक्वल, ठीक है, बोथ द रेडियस आर इक्वल, ठीक है. ताही अपने को डी डायमीटर बनता होंगे ना आर प्लस आर टू आर, ठीक है. जे ये 20% डिक्रीज हो रहा है तो 20% डिक्रीज होगा. ए वाला भी 20%, जे आर 20% डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जे आर 20% डिक्रीज हो रहे हैं तो ए भी 20% डिक्रीज होगा. ऑलराइट गाइस, सो क्लियर है ये चीज. सो गाइस आप सक्सेसिव लावांगे एरिया, आप कोई फॉर्मूला नहीं लावांगे, सीधा सक्सेसिव का मेथड लावांगे. व्हाट इज 20%, एवरीबॉडी व्हाट इज 20%, 1/5. सो बोथ द रेडियस 20% डिक्रीज हो रहे हैं तो नेचुरली गल एरिया भी कटूगा. सो 5 4 5 4 क्लियर है जी. सो किन्ना आ गया जी 25, पूरे किन्ना आ गया जी 16. यस एवरीबॉडी क्लियर है जी. किन्ना डिक्रीज होया जी 9, किन्ना डिक्रीज होया 9, किस तो है 25 तो इनटू 4 इनटू 100. सो गाइस कितना आ गया जी 4, 9 × 4 36% मेरा जिहड़ा हैगा जी एरिया की हो गया जी डिक्रीज हो गया. 36% मेरा की हो गया एरिया की हो गया डिक्रीज हो गया. सो गाइस जेकर किते एरिया दी जगह ते सर्कमफेरेंस पूछा हुंदा ता जो ओह परसेंटेज बोल रहा कि 20% मेरा रेडियस डिक्रीज होया ता मेरा सर्कमफेरेंस भी 20% डिक्रीज होगा बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल जिहड़ा हुंदा ओह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा सर्कमफेरेंस दे. राइट, जे पर एरिया पूछा होगे, जे पर एरिया पूछा है अप्लाई सक्सेसिव, याद रखना जी अप्लाई सक्सेसिव मेथड. क्लियर है जी, नो नीड टू यूज की फॉर्मूला पर लावांगे सर्कल दा पाई आर स्क्वायर, नहीं तुसी सक्सेसिव लगा दो. पर जे एरिया दी जगह ते सर्कमफेरेंस पूछा होया तो जो परसेंटेज बोल रहा है उही आंसर आ जूगा बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल जिहड़ा हुंदा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किहदे हुंदे दी हाँ जी गाइज, हूँ आप करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 66 इज सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 2915 इन 4 ईयर्स एंड टू रुपीज 3152 इन 5 ईयर्स द सम इज, यानी अपने प्रिंसिपल पता करना है. राइट, सो गाइज सब तो पहले मैं देखूंगा कि जी अमाउंट टू रुपीज होंगी वो अमाउंट होंगी है, अपने को 4 साल की अमाउंट है जो कि 2915 है, 5 ईयर्स की अमाउंट है जो कि 3152 है. राइट, सो गाइज पहला इन्हों दो साल का यानी एक साल का डिफरेंस कढ़ना है. सो जो 1 ईयर गैप आऊगा, सो गाइज जो 1 ईयर इंटरेस्ट आऊगा
ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣਾ 3152 ਮਾਈਨਸ 2915 ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 2915 ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਊਗਾ ਰਾਈਟ ਗਾਇਸ ਸੋ 3152 ਮਾਈਨਸ 2915 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 237 237 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ ਜੀ ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਚਾਹੇ 4 ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ 5 ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਆਨਸਰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ 4 ਇਅਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 4 ਨੂੰ 4 ਇਅਰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 237 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 28 ਟੂ ਕੈਰੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 12 ਤੇ 2 14 ਤੇ 9 948 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪੀਸ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ 2915 ਮਾਈਨਸ 4948 ਯੈਸ 2915 ਮਾਈਨਸ 948 ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 1967 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੁਪੀਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੇ 3152 ਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1967 ਰੁਪੀਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਲਓ ਜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ 67 ਇਨ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਲਰਾਈਟ ਇਨ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਨੂ ਗੋਟ 12% ਲੈਸ ਦੈਨ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਅਨੂ ਗੋਟ 12% ਅਨੂ ਗੋਟ 12% ਲੈਸ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ 12% ਲੈਸ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ less the required pass marks and Malini got 18% more than the required pass marks and Malini got 10% 10% or 18% 18% more 18% more than the required ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਆਲਰੇਡ ਗਾਇਸ ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇਅਰ ਮਾਰਕਸ ਇਜ਼ 24 ਇਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇਅਰ ਮਾਰਕਸ ਇਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇਅਰ ਮਾਰਕਸ ਇਜ਼ 24 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 24 ਹੈ ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਦੈਨ ਦਾ required pass marks is everybody clear ji hun dekho question number 67 ch ki hai ji apne ko question number 67 ch apne kol kehnda hai kyun ki keh raha in an examination anu got 12% less than the required pass marks ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਅਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 12% ਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਿਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 18% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਗਾਇਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 12% ਲੈਸ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 12% ਮੋਰ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ 12% ਲੈਸ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 18% ਮੋਰ ਯੈਸ ਐਵਰੀਬਡੀ ਓਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ 12% ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ 118 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 100 ਚੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਜੀ 88
सो गाइस इनू मैं लिख सकता कि 12% लेस है, 100 तो 12% लेस है, 100 तो 18% ज्यादा है, तो मैं बोल सकता कि दोनों की जी परसेंटेज का गैप है डिफरेंस है वो कितना रह जाएगा जी 30% जो है वो किसके बराबर है जी 24 मार्क्स दे। एवरीबॉडी क्लियर है जी। 100 तो देखो 100 तो एक जने की हैगी 12% लेस यानी 88% होगी, 100 तो एक जने की हैगी 18% ज्यादा यानी 118 होगी। हुण 88 ते 18 च गैप किन्ने दा हो गया जी 30 दा। सो गाइस 1% किन्ना आ जाऊगा जी 24/30। यस एवरीबॉडी, सो गाइस 100% के ना जुगा जी, मेरे दस सकते हो 100% के ना जुगा यानी 24/30 × 100। सो गाइस 10 ना 10 कट गई, इतने कट गया 8 आ गया, सो के ना आ गया जी 80 इज द मिनिमम रिक्वायर्ड पास मार्क्स, 80 इज द मिनिमम रिक्वायर्ड पास मार्क्स। एवरीबॉडी क्लियर है। इतने मैं एवं भी लिख सकता सी 100, ठीक है, एक जाने के है 88 क्योंकि 12% लैस, एक जाने के है अपने को 118% क्योंकि 18% जैसे दोनों का गैप किन्ने का आ गया जी 30 का आ गया। एक क्लीयर है जी, जो थोड़ा होर जस्टिफिकेशन चाहिए तो मैं लिख लिया। ऑलराइट गाइस, आई होप कि क्लीयर है जी थोड़ा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 68 नंबर क्वेश्चन, की कह रहे हैं 68 नंबर क्वेश्चन, राइट। चलो फटाफट कर देंगे आप 68 नंबर क्वेश्चन की कह रहे हैं। थोड़ा जा डिजाइन मिट गया से भी अपना। क्वेश्चन नंबर 68, ऑलरेडी गाइस क्वेश्चन नंबर 68 की कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 68। चलो जी स्टार्ट कर दे क्वेश्चन नंबर 68। टू पर्सन ए एंड बी स्टार्ट रनिंग टुवर्ड ईच अदर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। टू पर्सन ए एंड बी स्टार्ट, two person A and B start running toward each other, running towards each other, running toward each other, two persons A and B start running toward each other on a circular track from diametrically opposite points, right everybody, opposite points, clear hai us baat ki they first meet after a has run for 50 meter, they first meet after A has run 50 meter. थोड़ी statement बढ़नी है guys. 50 meter and then they meet after B has run 75 meter. And then they meet. After B has run 75 meter, right? After their first meeting, right? Assuming that both of them are running at a constant speed, find the length of the track. Assuming that both are running at constant speed, find length of track. क्यों जी काफी लंबी स्टेटमेंट से। So two person A and B start running toward each other on a circular track from diametrically opposite points, right everybody? So guys question की कह रहे हैं, सब तो पहला आपा हाँ मतलब कि दो चक्कर ला रहे हैं, let कर लेने हैं। सब तो पहला थोड़ा सा ये calculator मतलब कि lengthy question है ये, let मैंने लिया है कि जिधर 2xb का circumference,
केरा, ठीक है जी, राइट, 2x बी दा सर लेट कर लेने, 2x बी दा सरकमफेरेंस, ते जेडे पी ते क्यू ने, दीज आर द स्पीड्स ऑफ ए एंड पी एंड क्यू आर द स्पीड्स ऑफ ए एंड, मैंने लेट कर लिया एंड पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर द स्पीड्स ऑफ, आर द स्पीड्स ऑफ ए एंड ऑलरेडी पी एंड क्यू आर द स्पीड्स ऑफ ए एंड. सो गाइस जेडी मेरी वो स्पीड होंगी वो की होंगी है, स्पीड की होंगी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरी जेडी होंगी है स्पीड होंगी. एवरीबॉडी क्लियर है? देखो हम ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी ए की स्पीड की है पी. सो जेकर मैं इतने देखा पी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 50 मीटर ट्रैवल किया इन टाइम, क्लियर है जी. सो क्यू ने कितना किया होगा जी, एक्स माइनस 50 अपॉन टाइम टी. यस एवरीबॉडी, पी की दी स्पीड है ए दी, क्यू की दी स्पीड है दी अपनी बी दी. सो क्यू ने कितना किया होगा, एक्स माइनस 50 मीटर अपॉन टी. सो गाइस पी अपॉन क्यू आप इतने कर लेने जी, पी अपॉन क्यू मेरे को कितना आ जाएगा जी, 50 मीटर अपॉन एक्स माइनस 50 मीटर. यस एवरीबॉडी क्लियर है? सो मेरी इक्वेशन बन गई है राइट. उस तो बाद भी कह रहे हैं, कहता दे देन दे मीट आफ्टर बी हैज रन 75 मीटर. उन्होंने कहता अगली बार वो कदों मिलते हैं, जो बी ने कितना कर लिया 75 ते बी की स्पीड की है क्यों. सो गाइस मैं इन्हें इतने इरेज कर रहे हैं, ठीक है जी, उम्मीद है कि तुमने इन्ना नोट कर लिया होगा जी. सो इतने अपनी इक्वेशन जी बन है वो आप कल लिखी रह लें, ठीक है जी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बी ने कितना किया सब ने बी का की लिखी सी स्पीड आप 75 मीटर अपॉन टी. यस एवरीबॉडी क्लियर है? देन दे मीट आफ्टर बी हैज रन 75 मीटर आफ्टर देयर फर्स्ट मीटिंग, राइट एवरीबॉडी. हुन जे पी ने कितना कीता होगा, पी ने कितना कीता होगा जी, यस ऑफ कोर्स 2x माइनस 75 मीटर अपॉन टी. यस वेरी नाइस, 2x माइनस 75 मीटर अपॉन टी, क्लियर है? सो गाइस इथे भी मैं की काट लेना पी अपॉन क्यू, इथे भी मैं की काट लूंगा जी पी अपॉन क्यू काट लूंगा. यस एवरीबॉडी पूरे भी मैं पी अपॉन क्यू काट लूंगा, बिकॉज नीचे मेरे को पी अपॉन क्यू की इक्वेशन पे है 2x माइनस 75 अपॉन 75. पूरे जी आप पी अपॉन क्यू की वैल्यू है जी मैं पूरे पुट कर रहा हूं, 50 मीटर अपॉन x माइनस 50 इज इक्वल टू 2x माइनस 75 अपॉन 75. यस एवरीबॉडी क्लियर है? आई होप गाइस क्लियर है. सो गाइस जब तुम इन सोल्व करोगे तो थोड़े को जी एक्स की वैल्यू आ जाऊगी, तो इन सोल्व करने तो बाद एक्स की वैल्यू जी आ जाऊगी कि नहीं आ जाऊगी, 87.5 आ जाऊगी. और अपना जो सरकमफेरेंस है वो 2x ही, तो मैं क्या करूंगा 2 इंटू 87.5 करूंगा, क्लियर है जी. सो गाइस मेरे को पूरे ट्रैक की जी लेंथ है वो कितने आ जाऊगी जी, 175 मीटर इज द राइट आंसर, क्लियर जी, 175 मीटर इज द राइट आंसर. आई होप गाइस क्लियर है जी. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन सी, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन सी, उम्मीद करना जी क्लियर है थोड़ा. ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी आप. इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज, इफ द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज, इफ द length of the shadow of tower is root 3 times, if the length of the shadow of the tower is under 3 times the height of the tower, the height of the tower, the height of the tower, right, height of the tower, then the angle of the elevation of the sinus, then the angle of elevation of the sinus, right everybody, of the sinus. So guys question number 68 the solution kya le liya pakki keh rahe hain. हाइट ऑफ द टावर है वो ए बी है, ठीक है,
पहला मेरे ए बी सी दिस इज एच लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच राइट एवरीबॉडी दिस इज एंगल थीटा एंड जी आ चीज है इतने देखो द शेडो ऑफ द टावर इज दिस इज शेडो ओके अंडर रूट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर यानी हाइट ऑफ द टावर मैंने एच ली थी एच हाइट ऑफ द टावर दिस इज लैडर मतलब कि कुछ भी लगा लो क्लियर है राइट सो ए एच है ए अंडर ए लैडर चलो वर्ड यूज नहीं किया हुआ तुम ऐसे ही मान लो कि शेडो पै रही है ठीक है जी इतने आ की चीज लिखी है जी द लेंथ ऑफ द शेडो ठीक है एंगल बन रहा है थीटा आप फाइंड आउट करना है ठीक है जी ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर जो कि एच है सो द लेंथ ऑफ द शेडो ए जी लेंथ ऑफ द शेडो इज अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर राइट एवरीबॉडी ए क्लियर है ये चीज ऑलराइट सो गाइस ए बी मेरे को कितनी है लेट कर लेना ए बी जी है मेरे को एच बन गई सो देयर फोर जी बी सी है वो की बन गई अंडर रूट थ्री एच राइट एवरीबॉडी अंडर रूट की होगी थ्री एच ओके सो उन्होंने की पूछा था एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन सो गाइस एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी सो आप की कटेंगे जी हम उरो टेन थीटा यानी पी अपॉन बी सो गाइस इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी आप टेन थीटा कटते हैं जी टेन थीटा की आ जाएगा जी पी अपॉन बी आ जाएगा पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस सो गाइस ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा जी ए बी अपॉन बी सी सो गाइस जे मैं ए बी अपॉन बी सी देखा था एच अपॉन अंडर रूट थ्री एच लिखा जाऊंगा जी टेन थीटा यस एवरीबॉडी क्लियर है एच अपॉन अंडर रूट थ्री लिखा जाऊंगा एच नाल एच कट गया सो वन अपॉन अंडर रूट थ्री सो टेन थीटा वन अपॉन अंडर रूट थ्री उदो होंगे जो थीटे की वैल्यू की होंगी जी थर्टी डिग्री क्लियर है टेन थीटा वन अपॉन अंडर रूट थ्री उदो होंगे और ये चीज थोड़ा हमेशा क्लीयर होगी कि मैं इतना परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों लिता जी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले ए चीज लिखी है जी ने परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्लियर है जी दिस इज टेन सोना चांदी तोले में साइन कॉस ऑफ टेन क्लियर है जी यस एवरीबॉडी क्लियर है जी ऑलराइट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी अपन क्वेश्चन नंबर सो ये क्वेश्चन नंबर 69 दिस इज क्वेश्चन नंबर 69 This is question number 69. हुण आपां 70 नंबर क्वेश्चन करना है 70 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं जी हुण आपां क्वेश्चन नंबर 70 लो गाइस क्वेश्चन नंबर 70 लिख दिया जी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 70 राइट गाइस क्वेश्चन नंबर 70 जिहड़ा हैगा जी अपना मेंसुरेशन दा कहिंदा इफ टू स्क्वायर फील्ड In two square feet, the area of one is 1 hectare. In two square feet, the area of square, right? In two square feet, the area of one is, the area of square one is 1 hectare. The area of square one is 1 hectare, while the other is broader by 5%. While the other is broader by 5%. While the other is broader by 5%. The difference in their areas is alright guys. So guys, in two square, the area of the square of the first one is 1 hectare. So मैं बोल सकता हूँ area of the first square भी 1 hectare है. So guys, solution कर दे दी question number 70 का. Okay. सो की बोल रहे कहना एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर 1 hectare है सो मैं बोल सकता कि 1 hectare एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जेड़ा हैगा जी फर्स्ट स्क्वायर जेड़ा हैगा वो 1 hectare है इदा मतलब 1 hectare किदे बराबर हुंदा जी 10,000 मीटर स्क्वायर सो गाइस उरो जेड़ी साइड है इदा मतलब वो 100 मीटर आ जाऊगी साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर दी 100 मीटर आ जाऊगी एवरीबॉडी क्लियर है हां स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 100 मीटर
ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੁਣ ਉਹ 5% ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਲ ਦਾ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਡਰ ਬਾਈ 5% ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਇਜ 5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅਦਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅਦਰ ਸਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ 105 ਆ ਜੀ 105 ਕਿਉਂਕਿ 5% ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਗਾਇਜ਼ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਏਰੀਆਜ਼ difference in their areas ki aa jayega ji doha da square karange 105 da square minus 100 da square already guys clear hai ji 105 da square minus 100 da square clear hai ji so kitna aa jayega ji 110 25 aa jayega ji 10000 ji so guys kitna aa gaya ji 1025 meter square difference in their areas clear hai ji so yaad rakho 1 hectare square ide barabar hunde ji 10000 meter square de side kinni aayi 100 other side kinni aayi 105 aayi dono da square da difference puchya si ta 1025 aayi already guys I hope guys clear hai ji okay next question karde hai ji apna 71 number question so guys 71 number question di main statement likh raha hai ji trains chapter to hai क्वेश्चन नंबर 71 उम्मीद करना गाइस थोनू क्वेश्चंस क्लियर हो रहे ने जी सो ये पीएसपीसीएल दा अपना प्रीवियस ईयर दा एग्जाम है जी सो क्वेश्चन नंबर 71 देखदा है जो कि ट्रेन्स चैप्टर तो है राइट बहुत ही इजी क्वेश्चंस आंदे ने जी काफी स्कोरिंग क्वेश्चंस ने जी मैथ्स जो तुसी 25 जो 25 स्कोर कर सकदे हो ए ट्रेन 100 मीटर इन लेंथ पासेस अ पोल इन 10 सेकंड अ ट्रेन 100 मीटर in length passes a pole in 10 seconds right 10 seconds another train of length 120 meter traveling in the opposite direction passes each other in 12 seconds another train of length 120 meter traveling in opposite direction passes each other in 12 seconds right another train of length 120 meter traveling in the opposite direction passes each other in 12 second find the speed of the second train right so guys solution karde hain ji apan trains question da 71 number question da solution karde hain देखो सब तो पहली गल आपां नूं ट्रेन दी लेंथ पता है उन्हें पोल नूं पार कीता पोल दी लेंथ जीरो हुंदी है और 10 सेकंड्स की तां आपां इत्थे ट्रेन दी स्पीड कढ़ांगे जी स्पीड कहिंदी जी डिस्टेंस अपॉन टाइम सो ट्रेन दी लेंथ हैगी जी 100 मीटर उन्हें पोल नूं पार कीता पोल दी लेंथ हुंदी है जीरो किन्ने टाइम च कीता जी 10 च कीता सो गाइस ट्रेन दी स्पीड आ गई जी मेरे कोल 10 मीटर पर सेकंड क्लियर है जी आई होप गाइस क्लियर है कि हुण इक दूसरी ट्रेन है जो कि पहली ट्रेन नूं क्रॉस कर रही है 12 सेकंड सो पहली ट्रेन की लेंथ हैगी जी 100 मीटर दूसरी ट्रेन की लेंथ हैगी जी 120 मीटर दे क्रॉस ईच अदर सो पहली ट्रेन की लेंथ हैगी जी 10 दूसरी दे अपन लेंथ कर ली x मीटर पर सेकंड जो पहले ट्रेन दे यूनिट होणगे ओ मैं दूसरी ट्रेन दे भी यूनिट लेट करूंगा x स्पीड जेडी हैगी x मीटर पर सेकंड मैंने स्पीड लेट कीती है स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन राइट एवरीबॉडी x मीटर पर सेकंड लेट कीती है की कीती है जी x मीटर पर सेकंड राइट एवरीबॉडी x मीटर पर सेकंड स्पीड लेट की थी राइट सो इथे x मीटर पर सेकंड आ गया इनटू 12 आ गया एवरीबॉडी क्लियर है दी चीज चेक करो प्लीज हां जी क्लियर है दी सो 220 आ गया जी बटा 12 इज इक्वल टू 10 प्लस x ऑलरेडी गाइस सो कटिंग कर लेने दी अपन इथे किते ते जाऊगा जी 4 ते अपना 4 ते 55 आ गया राइट एवरीबॉडी 55 आ गया जी 55 बाय 4 3 आ गया जी वो द टेबल पे तक गया है ना 3 आ गया
सो गाइस उरे के नाल जो कि टेन जो इधर जो 25 बटा 3 की आ गई मीटर पर सेकंड आ 25 बटा 3 की आ गई मीटर पर सेकंड आ गई जो 10 उधर जाके माइनस हो गया बट जेडी उदी डिमांड है या जेडी उदी ऑप्शंस ने जेडी थोड़े क्वेश्चन च ऑप्शंस ने ओ किलोमीटर पर आवर में सो गाइस हुन मैं की करूंगा कि 25/3 नु किलोमीटर पर आवर चेंज कर ली 18/5 नाल की कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा उरे 5 आ गया दी उरे 6 आ सो गाइस थोड़ी स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर पर उन्हें ताँ की थी क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर पर आवर सी पर जेडी चीज जे पहली ट्रेन दे यूनिट मीटर पर सेकंड च ने तो दूसरी दे भी तुसी मीटर पर सेकंड च ही लेट करोगे थोड़ा आंसर भी मीटर पर सेकंड च ही आया पर उदी डिमांड डिमांड दे अकॉर्डिंग मैंने किलोमीटर पर आवर चेंज किया उदी डिमांड दे अकॉर्डिंग मैंने किलोमीटर पर आवर चेंज किया राइट एवरीबॉडी ओके जी क्वेश्चन नंबर 72 कर दे जी हुण आपां अगेन ए भी ट्रेन चैप्टर तो ही ट्रेन दे लगातार दो क्वेश्चन पा रखे ने देखो कितना इजी चैप्टर है जी ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी राइट सो लगातार दो क्वेश्चन पाए हुए ने जी कितना इजी चैप्टर है ते कितना मतलब की स्कोरिंग चैप्टर है सो क्वेश्चन नंबर 72 कर दें जी हुण आपां अगेन ट्रेन चैप्टर तो है जी अ ट्रेन रनिंग a train running at the speed of 30 meter per second a train running at the speed of 30 meter per second crosses a pole in 18 seconds crosses a pole in 18 seconds राइट अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकंड लेस 18 सेकंड लेस देन द टाइम इट रिक्वायर्ड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 18 सेकंड लेस देन द टाइम इट रिक्वायर्ड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इट रिक्वायर्ड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म It required to cross a platform 4 times its length at the same speed right then the length of the train is Alright guys, a train running at the speed of 30 meter per second crosses a pole in 18 seconds less than the time it covers, it required to cross a platform 4 times its length at the same speed. राइट एवरीबॉडी सो गाइस सब तो पहली गल तो मैं लेट कर लेना कि जी लेंथ है ट्रेन दी भी एक्स मीटर है राइट सो क्वेश्चन नंबर 72 दा सॉल्यूशन कर दे रहे हो लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स मीटर केनी दी थी एक्स मीटर लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी एक्स मीटर ऑलरेडी इज एक्स मीटर ट्रेन दी लेंथ दी थी सो टाइम टेकन इन क्रॉसिंग द पोल कितना टाइम ले रहे थी पोल नु क्रॉस टाइम टेकन क्रॉसिंग द पोल टू क्रॉस द पोल टाइम टेकन इन क्रॉसिंग द पोल लिख लेते हैं इन क्रॉसिंग द पोल टाइम टेकन इन क्रॉसिंग द पोल कितना आ गया सपोज सिमिलरली फॉर प्लेटफॉर्म टाइम कितना दे रही 4x नो 4 टाइम्स तो ऑलरेडी दे रखे हैं 4 टाइम्स तो ऑलरेडी दे रखे हैं सो इथे की आ जाएगा x ए है तो 5x अपॉन 30 है बिकॉज देखो ट्रेन की लेंथ के नाल प्लेटफॉर्म की लेंथ भी तो जुड़ूगी प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी 4 टाइम्स दे रखे हैं तो 4x का कला प्लेटफॉर्म ही हो गया ना इट्स द लेंथ इट्स लेंथ मीन्स कली लेंथ एक्स होगी 4 टाइम्स प्लेटफॉर्म हो गया तो एक्स प्लस 4x कितना आ जाएगा जी 5x आ जाएगा राइट एवरीबडी सो दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है जी 18
सो गाइस मैं की लिखूंगा 5x अपॉन 30 माइनस x अपॉन 30 इज इक्वल टू 18. सो गाइस 4x इज इक्वल टू 18 इनटू 30. सो 2 2s आर 2 15s आर 9. एवरीबॉडी क्लियर है टीचर्स? सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 135 आ गई. 15 ना 135. एवरीबॉडी क्लियर है टीचर्स? ऑलराइट गाइस. ओके, एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है जी. नेक्स्ट आपने कोल एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है जी. ओके, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 73 है जी. उम्मीद कर लगा इस थोड़ा क्लियर हो रहे हैं, ठीक है जी. चलो जी, क्वेश्चन कर रहे हैं 73, राइट गाइस. द The value of 45.45 minus 43.43 plus 44.44. तो गाइस सब तो पहला आप इनू ऐड कर लेंगे, राइट एवरीबॉडी. सो जो मैं इनू ऐड किया तो कितना आ गया जी पूरे 45.45 नु ऐड कर दे दी आपा 44.44. सो गाइस के ना आ गया जी 10.90. हुन आपा माइनस करेंगे जी ये नु 43.43, राइट गाइस. के ना आ गया 6 आ गया 4 आ गया. सो गाइस दिस इज द राइट आंसर. सो गाइस ये अपना के लिए राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन की है 73, राइट गाइस. ऑलरेडी गाइस क्लियर है दीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते जी. प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है जी अपना. क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं. राइट एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 7. इफ अ मर्चेंट ऑफर 15% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%. इफ अ मर्चेंट offers 15% discount, offers 15% discount and still make a profit of, then the cost price, then the cost of article which has the marked price of ₹500, then cost of article which has then the cost of article which has a marked price of which has a marked price of ₹500, right everybody, ₹500. Okay, so guys, if a merchant offer rupee, merchant offer 15% discount, right? So guys, apna saran pata apan MP de rakhi hai, right? MP kitne de rakhi hai? 500. Marked price kitna de rakhi hai? Apan 500 rupees. So guys, apna sare nu pata hai ki jehda market price de utte apna ki lagda hunda hai, discount lagda hunda. So 500 de utte unhe kitna discount offer kare? 15% discount offer kare. सो गाइस 15% की करेगा जी डिस्काउंट ऑफर करे. जब मैं इसे 15% लगाऊंगा तो 75 आऊंगा. यस एवरीबॉडी, ऐसा डिस्काउंट आऊ 75 डिस्काउंट आऊंगा. सो 500 जो जी 75 रुपीस ऐसा डिस्काउंट है तो 425 की आ गई थी एसपी आ गई. 425 की आ गई थी एसपी आ गई. उन्होंने पूछी की है जी सीपी. सो गाइस सीपी के लिए कटा गए 425 गुणा 100
मैं हमेशा दसदा जो भी सीपी कढ़नी है बाई यूनिटरी मैथड लास्ट स्टैप सीधा लाया करो 100 उपर आऊगा जी। जो भी सीपी कढ़नी यूनिटरी मैथड का लास्ट स्टैप लगाया करो कि 100 उपर आऊगा नीचे किन्ने का प्रॉफिट होया जी। हूँ 125 सौ मैं इतने सॉरी किन्ने का प्रॉफिट होया 25% का सो मैं नीचे की लिखूंगा जी 125 होगा। इस सिंपल है जी 25 5s और 25 4s पहला किसते जा रहा है जी 8 ते देन 5 ते 340 आ रहा। सो गाइस मेरी सीपी कितनी आ गई जी 340। ऑलराइट गाइस आई होप गाइस क्लियर है जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। सो हां जी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अ फ्रूट सेलर हैड सम मैंगोज आफ्टर सेलिंग 30% ऑफ द मैंगोज ही स्टिल हैड 133 मैंगोज How many mangoes did he have in the beginning? So guys, 30% sell karan to baad, 30% sell karan to baad, it mean 100% cho, jo de kol 100% cho 30% ohne sell karte si, 30% ki karte si ji sell karte, to 70% buy honge, 70% buy honge, right everybody? So guys, main bol sakta ki 70% still he had, to 70% kide barabar ne 133 de क्योंकि 133 पाए ने 1% किदे बराबर है 133/70। सो गाइस 100% के ना आ जाऊगा जी 133/70 133/70 into 100 यस एवरीबॉडी 133/70 into 100 सो 0 ना 0 कट गया जी 7 नाल कर देंगे पहले किते जा रहे 1 ते ही जा रहे जी ऑर्डर गाइस 1 ते गया 6 आया 90 सो किने आ गए जी 190 यस एवरीबॉडी 190 मतलब कि 19 आ गया देन इथे दा सो 190 इज द राइट आंसर क्लियर है एवरीबॉडी 190 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स 5 टाइम एज हाई एज इट इज ब्रॉड मतलब कि ब्रेड्थ ठीक है जी। सो गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट कर दें मेंसुरेशन जो है जी वॉल्यूम बारे गल कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 76 कर दें जी अपन। ऑलराइट गाइस क्वेश्चन नंबर 76 की कह रहे हैं जी The volume of a box right everybody the volume of a box 5 times as high as its breadth And eight times as long as it is high. The volume 5 times as high as it is breadth. It is breadth. And 8 times as long as it is high. Okay. is 43.2 meter cube. Find the breadth of the box. Alright guys, find the breadth of the box. Okay. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 76 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सब तो पहली गल मैं ब्रेड्थ नु लेट कर लेना बिकॉज उससे बारे पूछा गया। सो गाइस मैं गल कर लेना कि ब्रेड्थ जिहड़ी हैगी जी मेरी वो की है दी एक्स है। सो लेंथ किनी हो जाऊगी जी हाइट किनी हो जाऊगी जी 5x हो गई हाइट किनी हो जाऊगी 5x। सो लेंथ है जिहड़ी वो एदा भी अगो 8 टाइम्स है सो 8x हो गई। सो लेंथ है जिहड़ी एदा भी अगो 8 टाइम्स है तो 8x हो गई। सो गाइस वॉल्यूम कितना l into b into h जो कि 43.2 मीटर क्यूब दे रखे हैं। सो l into b into h 8 5 दिस सो मैं सीधा लिख रहा हूं जी 2 एक मिनट एट टाइम्स एज लॉन्ग एज है नॉट 8x इसे 40x आऊंगा जी मेरे को यस 8 टाइम्स है नॉट एज इट राइट्स ठीक है 8 टाइम्स का 40x हो गया यस। सो कितना आ गया दिस इज 200 l इन पहले मैं लिख देना जी चलो l into b into h 40x into x into 5x is equal to 43.2।
सो गाइस 200x क्यूब आ गया मेरे को, सो गाइस की आ गया जी 200x क्यूब आ गया, राइट एवरीबॉडी 43.2, सो गाइस x क्यूब के ना आ गए 43.2 बटा 200, सो पॉइंट एक नीचे हो गया, सो 0.216 आ गई, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या 0.6 मीटर आ गई, सो ब्रेथ की आ गई मेरी 0.6 मीटर। ऑलराइट गाइस क्लियर है जी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड, क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं अपन। राइट गाइस क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 21359, फ्रॉम 21359, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 21359 such that the remainder is divisible by, such that the remainder is divisible by 124. What least number must be subtracted from 21359 such that the remainder is divisible by 124? तो गाइस कुछ भी नहीं हैगा, तो सेम आपस से डिवाइड कर लो लाइक दिस, ठीक है जी। 21359 जब तुसी 124 नाल डिवाइड करोगे, ठीक है जी, सब तो पहली गल ते 1 ते जाऊगा, 124 आ जाएगा, देखो इथों के ना आ गए जी 9 28 5 आ गए, 7 ते जा रहे हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77 द सॉल्यूशन इज राइट, सो 7 ते जाऊगा के ना आ गए 28 आ गए, 2 कैरी 28 आ गया, 2 कैरी 14 ते 16 यानी 8, सो गाइस किन्ना आ गया जी 7 आ गया, क्लियर है जी। ओरो किन्ना बचा जी 2, ऊपरों 9 कॉमन आ गया 2 आ गया, सो किन्ना आ गया 4 8 2 यानी 31 आ गया, सो 31 रिमाइंडर है। सो इहदा मतलब आपां नूं की व्हाट दिस नंबर मस्ट बी एडेड सच दैट द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय दिस, व्हाट शुड बी एडेड, दिस शुड बी एडेड, क्लियर है जी। व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड, नॉट सबट्रैक्टेड, की सबट्रैक्ट करांगे जी 31, सॉरी मैं गलती नाल एडेड बोल गया सी, सबट्रैक्टेड। एवरीबॉडी क्लियर है जी, ये चीज हो जाएगा जी। ऑलराइट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी अपन। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं जी। Okay, a boy is on tour and he has rupees 240 for his expenses. A boy, question number 78, a boy is on tour, a boy is on tour and he has rupees 240 and he has rupees 240 and he has rupees 240 for his expenses, for his expenses, for his expenses, if he exceed his tour by 3 days, if he exceeds his tour by 3 days, if he exceeds his tour by 3 days, he must cut down daily expenses by rupees 4. He must cut down daily expenses by rupees 4. ਤਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 4 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। Find the number of days of the boy's tour. Then find the number of days, find the number of days of the boy's tour,
सो गाइस एक तरीके का ही अरिथमैटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है जी, बहुत ईजी है। मैं हमेशा थोड़ा कहूंगा जी अजिहा क्वेश्चन जिहड़ा हुंदा है हमेशा ऑप्शन च करो, कोई एक्स वाई नाल करन दी जरूरत नहीं हैगी जी, कोई भी एक्स वाई नाल करन दी जरूरत नहीं हैगी। प्लीज रिक्वेस्ट है जी इनू ऑप्शन च करियो। अ बॉय इज ऑन टूर, ही हैज मतलब ही हैज रुपीज 240 फॉर हिज एक्सपेंसेस, 240 रुपए है। कहिंदा इफ ही एक्सीड हिज टूर बाय, इफ ही एक्सीड हिज टूर बाय 3 डेज मोर, ठीक है जी, तां उनू अपना ही मस्ट कट डाउन डेली एक्सपेंसेस बाय रुपीज 4। सो मान लो ऑप्शंस में 12, 9, 18 ते 15 दीज आर द ऑप्शंस ऑफ डेज, ए डेज दे ऑप्शंस में। सो गाइस मैं पहला ऑप्शन चेक्या जी 12, सो गाइस मान लो 12 दिन लाउंदा जी, ठीक है 12 दिन ला रहे तां उहदे कोल 240 रुपए ने, तां 20 रुपए के हिसाब नाल डेली एक्सपेंसेस होए, पर जो ने अपने 3 दिन बधाउणे ने, 3 दिन बधाउणे तां हुण उहनू 16 रुपए खर्चने पैणगे जी, तां देखो 4 रुपीस कट डाउन हो गए। सो मैंने ऑप्शन चेक्या सी 12 ऑप्शन चेक्या, सो 240 रुपए ने 12 दिन ने, डेली एक्सपेंसेस 20 रुपए हो गए। सो जे उहने 3 दिन एक्सीड करने ने, 3 डेज मोर आ गए जी, 3 डेज की हो गए मोर हो गए, सो यानी 15 दिन हो गए, तो 240 रुपए ने 15 दिन के हिसाब से उन्होंने अपने 16 रुपए लाने पैणगे हर दिन, यानी उन्हें की बोलिया ही मस्ट कट डाउन डेली एक्सपेंसिस बाय रुपीज 4। सो गाइस पहले ऑप्शन नाल ही ए क्वेश्चन की है भी हो गया। राइट एवरीबॉडी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सी, अरिथमेटिक रीजनिंग रीजनिंग नाल रिलेटेड क्वेश्चन सी, ईजी क्वेश्चन सी, राइट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 79, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जी अपना, ऑलरेडी गाइस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भी। ओके क्वेश्चन नंबर 79 एवरेजेस का क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन नंबर 79 की कह रहे हैं भी वो, एवरेजेस का क्वेश्चन है। इन ए क्लास द एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट, इन ए क्लास द एवरेज वेट, इन ए क्लास द एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास द एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 46.25 kg एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 18 स्टूडेंट इज, एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 18 students and that of the remaining 18 student is 48.15 kg, right? The average weight of the all the student in the class, the average weight of all the students of a class. So guys, इनू तुसी ओदा ही multiplication वाले method नाल करोगे भी। Question number 79 का solution कर देंगे आपको। So guys, सब तो पहली गल average क्यों दे? Sum of observation divided by number of observation। पहला मैं इनको मेरी 46.25 into 12 plus 48.15 into 18 divided by किया होगा नहीं? Right everybody? डिवाइड बाय किया होगा। सो गाइस जब तुम इसे सॉल्व करोगे ओरो के नाल जो मेरी 555 प्लस 48.15 इनटू 18 जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे जी 866.7 सो डिवाइड बाय 3। एवरीबॉडी क्लियर है जी? सो गाइस क्लियर है जी? ए तुम मल्टीप्लाई खुद करके देख लियो जी। सो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो थोड़े को एवरेज कितनी आ जाएगी 47.39। क्लियर है जी? ए थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन सीगा जी, ऑलरेडी तुसी क्वेश्चन खुद कर सकते सी। आ जाओ जी क्वेश्चन करते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन है जी अपना मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 80। सो होपफुली आपने कला कला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जी, ठीक है जी। उम्मीद करता कि थोड़ा सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे जी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 80, राइट, मेंसुरेशन जो है जी 2D का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1920 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ इज 20% मोर देन द ब्रेथ,
if the length is 20% more than its width. If the length is 20% more than its width, then the breadth of the plot is. Then the breadth of the plot is. Alright, guys? So, guys, area. Now, देखो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा ये काफी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 ठीक होगा ये क्वेश्चन सब तो पहला अपन एक ब्रेड्थ है जड़ी ओनू ही लेट कर लेना है कि वो x है सो जड़ी लेंथ है सो जड़ी लेंथ है वो 120% मोर है यानी 120 बटा x बटा 100 यानी 6/5 बोल सकते हैं यस 120% मोर है तो 120 अपॉन 100 ही है सो गाइस एरिया क्यों होता है एरिया के अंदर l इनटू b सो मैं बोल सकता हूं 6/5x इनटू x 19 होगी यस एवरीबॉडी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है सो गाइस x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 192 इनटू 5 अपॉन 6 आ रही यस एवरीबॉडी अपॉन क्या करी 6 आ रही सो गाइस की देते कट रहे चेक कर लेते हैं पहला 3 ते क्या रही 18 4 0 क्लियर यस एवरीबॉडी 1920 ओके पहला ये 6 18 बहुत 2 होगा नहीं 32 होगा x स्क्वायर के नाल 16 सो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर सो क्लियर है ये आई होप गाइस क्लियर सो गाइस ए सीगे अपने 25 दे 25 क्वेश्चन पीएसपीसीएल दे प्रीवियस ईयर दे एग्जाम जेड़ा अपन ने डिस्कस करया पूरा क्वांट सेक्शन डिस्कस करया कला-कला क्वेश्चन मैं बोर्ड ते लिखा भी ते थोनू समझाया भी ते उम्मीद करदा कि थोनू बहुत चंगे तरीके नाल समझ भी आया होगा सो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट एंटिल देन थैंक यू सो मच बहुत चंगे तरीके नाल तुसी नोट करयो ते जे कोई डाउट है ते तुसी मेरे तो पूछ भी सकदे हो कमेंट बॉक्स च भी पूछ सकदे हो ऑलराइट गाइस थैंक यू सो मच हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे तो पीएसपीसीएल के प्रीवियस ईयर कंप्यूटर पेपर में हम आपका यहां पे स्वागत करते हैं और आपको हम यहां पे ये बताएंगे कि क्या क्या आपके पास पेपर में प्रीवियस ईयर पूछा गया था पीएसपीसीएल के तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पैराग्राफ जस्टिफिकेशन तो यहां पे पूछा गया कि कौन सा वैलिड नहीं है नॉट अ वैलिड यहां पे ये बात करी गई है तो जस्टिफाई होता है कंट्रोल प्लस जे होता है आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट होता है राइट अलाइनमेंट भी होता है पर टॉप अलाइनमेंट आपके पास कुछ भी नहीं होता किसी भी पेज को लेफ्ट करते हो राइट करते हो अलाइन या जस्टिफाई मतलब इक्वल हिस्सों में बट इसका आंसर बनेगा टॉप तो टॉप कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होता है आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू तो सीपीयू का मतलब क्या होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के तीन मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं सबसे पहला होता है कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर्स आपके पास ये तीन क्या होते हैं सबसे मेन जो होते हैं किसी भी सीपीयू के जो है मेन कंपोनेंट होते हैं तो होपफुली ये भी आपको क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं CDR स्टैंड फॉर CD का फुल फॉर्म क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड कैन बी रिटन ओनली वंस तो ये क्या होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइडेबल भी से रिकॉर्डेबल भी से बोला जाता है तो आंसर क्या बनेगा कॉम्पैक्ट डिस्क ट्वाइस नहीं होता है इसलिए कैंसल कंकरेंट तो गलत है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल वंस इसका आंसर बनेगा एक वही बारी इसको रिकॉर्ड किया जाता है तो आंसर बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट है माउस
ट्रैक वॉल, टच पैड आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये सारे के सारे क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के क्या है एग्जाम्पल है, पर यहाँ पे पॉइंटिंग आउटपुट है इसलिए ये कैंसल, यहाँ पे क्या है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, बच्चे अक्सर यहाँ पे पॉइंटिंग देखते हैं आंसर कर देते हैं, इसी से ही बचना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है। आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन, आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं एमएस एक्सेल की। यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू सम, अगर सम के अंदर आपके पास 1 2 लिखा है तो इसका मतलब है ये सम ही होगा, इसका रिजल्ट आएगा 3, और यहाँ पे इस एरो का मतलब है कि आपके पास स्केयर करना है, तो सम करना है इसका, 1 × 1 का सम करोगे कितना आएगा 2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 का आपने स्केयर करना है, 3 का स्केयर कितना बनेगा 9, ये है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है 3 का स्केयर करोगे तो कितना बनेगा 9, तो होपफुली ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट द रेडी टू रन प्रोग्राम फाइल, तो आपको पता है PDF तो अलग होता है, टेक्स्ट अलग होता है, डॉक अलग होता है, तो exe.executable फाइल होती है जो कि रेडी रहती है, ठीक है। तो PDF तो अलग है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और डॉक DOC डॉक्यूमेंट आपके पास होता है, तो इन दोनों में, तीनों में से नहीं होगा, आंसर बनेगा exe executable फाइल जो कि रेडी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल एसेस मेमोरी, सीक्वेंस का मतलब है कि पहले एक एक के बाद, दो दो के बाद, तीन तीन के बाद, चार चार के बाद, पांच, इसी ऑर्डर में डेटा को स्टोर किया जाएगा और इसी ऑर्डर में ही डेटा को क्या किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा, तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, मैग्नेटिक टेप। क्यों मैग्नेटिक टेप, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो कैसेट होते थे तो पहले एक गाना चलाते थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से सीक्वेंस वहां पे फॉलो होता था, तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगला बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव छोड़ जाना, तो इसमें डायरेक्ट याद रखिएगा डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर आपके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, MS Excel से लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड MS Excel फंक्शन, इनमें से कौन सा वैलिड MS Excel का फंक्शन है, माइनस, सम, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड, तो यहाँ पे जब भी आप लोग देखेंगे, अभी फॉर्मूला देखा था सम के साथ ब्रैकेट लगा था, तो यही आपके पास क्या है, वैलिड एक जो है आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सेकेंड ऑप्शन। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस डैश की इन वर्ड टू मूव टू द एंड ऑफ द लाइन, अगर किसी भी लाइन के एंड तक जाना तो कौन सी की प्रेस करते हैं, एंड की प्रेस आप लोग करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। होपफुली यहां तक सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर है। तो ज्ञानम के इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञानम.कॉलेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्ञानम.कॉलेज पे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे ज्ञानम पे और यूट्यूब पे आप लोग हैं ही हैं। ओके गाइस, थैंक यू, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस सेशन बाय ज्ञानम, आई एम पीयूष, योर बड़ी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। आई एम हियर टू डिस्कस द PSPCL प्रीवियस ईयर पेपर फॉर द इंग्लिश पार्ट। देयर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। इस साल वी आर सेलिब्रेटिंग द 150th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। गाइज, आपने जब भी प्रेपोजिशन ऐसे देखना है यू नीड आर्टिकल द, कैसे, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये स्पेसिफाई करता है का के की, आई एम टॉकिंग अबाउट द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो यू नीड एन आर्टिकल द ओवर देयर। So the answer is option A. Select the appropriate meaning for what? Following idiom, dry up. Dry up का मतलब होता है चुप रह जाना, अब आप शो नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो to be quiet comes out to be this. Not for living, also non-living के लिए भी, this thing has dried up, अब ये कोई response नहीं दे रही है, कोई useful नहीं है. You have to rearrange this into a complete paragraph, but mind my words, फर्स्ट और जो फिफ्थ है वो फिक्स्ड है, क्यू आर एस को आपने अरेंज करना है। मैं आपको इतना बता दूं, छोटा सा एक पार्ट, आफ्टर हिज असेशन टू द थ्रोन, हिज कौन, अशोका ही होगा, ऑफ कोर्स आर से स्टार्ट होगा, ये काट दिए। आपको यहां देखा द कलिंगा वॉर, द कलिंगा वॉर का ही आगे लेकर चले गए द वॉर में,
यानी ये जो वॉर का पूरा नाम है ये आगे जाकर चला गया इसमें, तो इतना पता आर के बाद क्यू चाहिए, बचा ही क्या एस अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन फर्दर, डैश यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर नर्शरिंग थॉट्स एंड लिबरल थिंकिंग। एक यूनिवर्सिटी एक ऐसी प्लेस है, इट शुड बी अ यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर नर्शरिंग थॉट्स। यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। द बेबी बर्ड आस्क्ड हर मदर हो जाएगा रिसीवर के लिए, तो इतना पता लग गया डी से स्टार्ट हुआ, ये गया एंड ये गया। डी के बाद डायरेक्ट वेयर चाहिए क्योंकि आस्क्ड के बाद तो आपको डब्ल्यू एच ही चाहिए, तो इट शुड बी डी सी बी ए ऑप्शन नंबर टू। You have to find the word which is spelled correctly. Strategy is the word. You need a T over here. This is wrong. You need R after this. This is wrong. You need not write this. The answer comes out to be option number 4. Strategy. You have to choose the most appropriate word of the underlined word. He is haughty and does not listen to anyone. Wo haughty hai. Haughty ka matlab hota somebody is very rude and arrogant. The answer comes out to be 4. Again, you have to select the correct order of the parts of the sentence to form a meaningful sentence. When? अब देखो, आपके पास ना ये there आया, there मतलब achievers के लिए use कर रहा है, तो A के बाद आएगा, है ना? तो it should be when you look at achievers, B, A, then you got this. B, A के बाद ही पता लग गया था आंसर ये है. When you look at achievers, उनका fame and success seem awesome to you. तो ये objective pronoun में है. यानी कि आपको यू सब्जेक्टिव में चाहिए, ये रहा यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्योंकि ये उसका वर्ब है। दिस गिव्स अ शेयर नॉलेज ऑफ व्हाट एवर वी डू इन द क्लास इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। द सेंट कॉल्ड अपॉन हिज फॉलोअर्स टू गिव अप मुंडेन प्लेजर्स। मुंडेन मीन्स समथिंग डल, नहीं पता आपको तो इतना पता नेगेटिव, कैसे? अरे भाई गिव अप करना है तो नेगेटिव चीज को गिव अप करेंगे, तो इसका ऑपोजिट इज स्पिरिचुअल, फुल ऑफ लाइफ, समथिंग विच कम्स आउट टू बी वे टू हैवी फॉर यू, राइट? नेक्स्ट, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू लुक अहेड इन फ्रंट ऑफ अस, अपने पाथ में आगे देखें, इट शुड बी इन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यू हैव बेटर, नो। हैड बेटर, यस। ये जो हैड बेटर है, दिस इज अ मोडल and every modal takes the first form of verb. You had better consult. Would better and will be better are absolutely wrong. Again, you have to select the correct order of the parts of the sentence to form a meaningful sentence. There. Abhi there things are nahi. Ye T-H-E-I-R wala hona chahiye tha, toh ye toh lagega. They're using, no. There are. Itna pata C se start hona hai, right? There are many. Many ke baad kya chahiye aapko? Plural. Many using? No. Many things. C-A. तो क्या बना? ये चेक करें, देयर आर मैनी थिंग्स दैट वन कैन डू यूजिंग इंटरनेट। द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर 3, अ वे टू इजी अप्रोच टू गो थ्रू। नेक्स्ट, दिस अ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके पास रीअरेंजमेंट है, इसको आपको अरेंज करना है। वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज वन और मोर सिलेबस, ये फर्स्ट वाला फिक्स्ड है। उसके बाद लास्ट क्या, ऑन द कंट्रेरी कॉन्सोनेंट्स जो हैं, दे टेक द मार्जिन पोजिशन, राइट? तो यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको लगता है कि ये सही फॉर्मेशन है। अब देखो, अ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज वन और मोर सिलेबल्स, राइट? एक से ज्यादा होते हैं ना सिलेबल्स, हाँ जी। तो सिलेबल होता क्या है? सर वो तो बताना पड़ेगा। अब एक्चुअली में बताएगा कहां और कैसे बताएगा वो देखते हैं। ये है सिलेबल के बारे में, ये है सिलेबल के बारे में, इसको तो काट दो, है ना? सर ये ऑल्सो है, ऑल्सो मतलब और, तो और ऐड कर रहा उसमें। हाँ, तो पहले सिलेबल के बारे में कहां बताया? एस में। फिर आप ऐड करा लो। सर ऐड कैसे कराएं? आर में, है ना? ऑल्सो सिलेबल ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ चेस्ट पल्स, मस्कुलर मूवमेंट पुशिंग द एयर थ्रू द लंग्स, राइट? एस आर तो आ गया, फिर तो क्या ही बचा है भाई। द आंसर कम्स आउट टू बी 3, राइट? एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। Select the most appropriate antonym of the underlined word. He was reluctant to leave the village for the job he liked the most. Uneasy, dislike, willing, liking. Sir, reluctant का मतलब होता उसको पसंद था कि नहीं था? Sir, नहीं था, वो मना कर रहा था। तो उसका opposite, वो मान गया था, यानी he was willing.
Next, you have to choose the grammatical error or errors in this. Ravi has been lived in the city. Has been says you need ing over here. The answer comes out to be in option number B. B matlab has been living mein ye ra. 4 is the correct answer for us. When we look down and walk, we can bump. अब देखो हम जब नीचे देखकर वॉक करते हैं तो हम लोगों में बचते हैं. इनटू का बम्प, इनटू का मतलब होता है लोगों में टकराव, फिजिकल वाला टक्कर बच जाती है ना, चलते चलते कंधे से कंधा टकरा जाता है, वी बम्प इनटू. नेक्स्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है. दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस. इफ से स्टार्ट होता है, यू नीड हैड, एब्सोल्युटली करेक्ट, फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉलोड बाय वुड हैव टेकन द थर्ड फॉर्म. ये हैड वर्क तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां वुड चाहिए, ये हैज की जरूरत नहीं है. ये वर्क्ड लगाया है राइट, लेकिन आपको क्या चाहिए, अगर उसने वो काम किया होता, यू नीड पास्ट परफेक्ट इन द स्टार्टिंग फॉर्म. द आंसर कम्स आउट टू बी दिस, द करेक्ट फॉर्मेशन इज इफ फॉलोड बाय ऑफकोर्स हैड प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. द अदर हाफ ऑफ द सेंटेंस वुड टेक वुड प्लस हैव फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म. एनी वर्ड विच इज स्पेल्ट करेक्टली, the word is continuum. Continuum, the spelling is like this, it is spelled like this. It clearly says a range starting to end, kahin ki bhi range ho. Jaise hum bolte nahi temperature, boiling point, freezing point, 0 se 100 ki baat kare, ye jo complete range chal rahi, that is called continuum, jo continuously chale. Appropriate option to fill in the blank, when we look dash and walk, we can trip over the things on the road. Jab hum aise dekh kar chalte hain तो हम ट्रिप कर सकते हैं चीजों पे. कब? जब हम ऊपर देखकर चलते हैं कि नीचे? सर कहीं पर भी देखकर चल सकते हैं. दिस डायरेक्टली सेज जब हम ऊपर देखते हैं और वॉक करते हैं तो रोड वाली चीज पर आप टकराते हैं, तो नीचे देखकर कैसे चलेंगे? नीचे तो रोड की चीजें हैं, फिर तो आप ट्रिप कैसे करेंगे? तो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2. यू हैव टू फाइंड द एरर. ही फेल्ट दैट ही वॉज ब्रोक. ही फेल्ट पास्ट इनडेफिनेट वर्ब सेकंड फॉर्म. ही वॉज ब्रोक, दिस इज स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट में है ये भी, तो नो एरर. Right? The answer is A. So yes, all the best to you guys. We're done with this part over there. I hope you got this part of mine. Take care. Enjoy. Bye-bye.